सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे वॉलंटियर्स के थोड़ा जोरदार ताली बजाएंगे सारे वॉलंटियर्स के लिए, सारे वॉलंटियर्स आपके लिए थैंक यू। पास्टर पुरुषोत्तम थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा कि ये सब हम आखिरी दिन में कर लेंगे, लेकिन शुरुआत में हो गया, तो फिर आखिरी दिन में और धमाका होने वाला है। सो मैं चाहूंगा जो वॉलंटियर्स हैं प्लीज आप लोग इधर के पीछे भरना शुरू कर दीजिएगा। मुझे लग रहा है इधर में काफी भर गए लोग, आप जो भी आएंगे उनको इस साइड में बिठाना शुरू करें, मतलब बैलेंस में रहना चाहिए था, एक साइड में खाली एक साइड में भरा हो ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक बड़ा ऊंचा आवाज में प्रेज़ द लॉर्ड। का तू भी तैयार आहे? का तू भी तैयार आहे? चला हे वेळ आपल्याला आपण देवाचं वचन ऐकायची वेळ आहे ना। तर आपल्या पदामध्ये मास्टर प्रशांत मसीह आहे, पास्टर प्रशांत मसीह है, ये विले से आते हैं, सॉरी रायपुर से आते हैं, और बहुत ही अच्छे परमेश्वर के अभिषेक दास हैं, वो भी कृष्ण के साथ चल रहे हैं। तो क्यों ना हम सभी लोग जोरदार ताली के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। आइए सभी लोग जोरदार ताली बजाएं। आवाज ऐसा नहीं लगा तुम्हारा सब लोगों का स्वागत कर रहे थे, कुछ लोग चूक गए, तो दो लोगों का स्वागत करेंगे समय इससे पहले कि मैं आरंभ करूं। सबसे पहले जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए। ख्रिस्ट जन्म उत्सव की ऐसा कुछ लिखा था पोस्टर में है ना, क्रिसमस सेलिब्रेशन। अगर यीशु नहीं आते तो हम यहाँ पे नहीं आते। अगर आज हम सबको किसी ने जोड़ा है, उसका नाम है यीशु, तो यीशु के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली। हमारे एक भाई बहुत ही अच्छा एक सब दिया अवेंजर्स, और ये सारे अवेंजर्स का आना व्यर्थ होता अगर कौन नहीं आता। अपने बाजू वालों के देख के बोले आप नहीं आते तो दा ताली आप सब लोगों के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने मौका दिया कि आप लोगों के बीच पे प्रभु के वचन को लेकर मैं यहाँ पे आ सका। पास्टर रमेश के लिए भी हृदय से, राजेश के लिए भी हृदय से हम धन्यवादित हैं कि उन्होंने आमंत्रित किया कि आप लोगों के बीच पे और 3 दिनों तक प्रभु के वचन से बातचीत करें, और हम एक दूसरे को काफी समय से जूट के माध्यम से जानते थे, फोन के माध्यम से बातचीत करते थे, पर प्रभु ने मौका दिया कि 2022 के अंत में, इससे पहले कि 2023 का आरंभ हो, और मिलकर और तहलका मचाए महाराष्ट्र में हमें एक दूसरे को देख सके, इसके लिए हम परमेश्वर के धन्यवादित हैं। साथ साथ प्रभु के दासों के लिए भी, पास्टर रिचर्ड जॉन के लिए, हमारे जब मैं मिनिस्ट्री की शुरुआत कर रहा था
तब वो हमारे उधर प्रचार करने के लिए आते थे सीनियर मोस्ट, और जब उनको कल हम मिले रात के तो बड़े आनंदित हुए। 1989 में प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया, तब वो रायपुर में सेवा देने के लिए आते थे। आप सोचिए कितने सीनियर व्यक्ति है, और प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे प्रभु के बड़े भक्तों के साथ आज हम एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और हमारे नाम से एक और नाम जुड़ा हुआ है, प्रशांत भाई, है ना। तो आपका नाम मैं नहीं बोलूंगा, बहुतों का नाम मैं भूल जाता हूँ, पर अपना नाम नहीं बोलूंगा तो मैं आपका भी नाम नहीं बोलूंगा। तो भाई प्रशांत को देखकर, आप सबको देखकर मैं बहुत ही आनंदित हूँ। थोड़ा समय, जैसे कि भाई ने कहा, हमारी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, हमारी ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी और हम समय को पकड़ लेंगे। मैंने एक बात को सीखा है, समय को पकड़ाने का काम किसी भी दुनिया या मशीन को, मशीन के बस की बात नहीं है। जो समय बीत गया उस समय को दोबारा वापस लौटा देना किसी भी व्यक्ति, किसी भी मशीन और किसी की संस्था के बस में नहीं है। एक ही व्यक्ति बीते हुए समय को लौटा के आपके जीवन में ला सकता है, वो है गॉड जीसस। हालेलुया। तो प्रभु के सहायता से हम अपने समय को पकड़ेंगे और इस समय हम बातचीत करेंगे अपने परमेश्वर के बारे में। बाइबल में एक वचन आया है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सब ध्यान से सुनेंगे, कोई बात नहीं करेगा। प्रभु का वचन कहता है वो अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है, और वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, और जो सत्य आप जानोगे वही आपको आजाद करेगा। जिस सत्य को आप जानोगे नहीं तो आजादी आपको मिलेगी नहीं। और एक सत्य जो मैं इस समय आपके बीच में लेकर आने वाला हूं वो है परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का नाम या परमेश्वर का कैरेक्टर, उसका चरित्र, उसके बारे में थोड़ा देर हम लोग बातचीत करेंगे। जितना अधिक आप अपने परमेश्वर को जानोगे आप छुटकारे को प्राप्त करोगे। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक कहती है मेरी प्रजा के लोग मेरे ज्ञान के ना होने के कारण बंधुआई में जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के लोगों का बंधुआई में जाना एक कारण को बताता है, और वो कारण है परमेश्वर को ना जानना। आज बहुत सारी बातों को जानने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं, पर परमेश्वर के बारे में हम कम खोजबीन करते हैं, कम जानकारी रखते हैं, और कम जानकारी के रखने के कारण आज हम कई क्षेत्रों में बंधुआई में पड़े हुए हैं। और मैं इस समय परमेश्वर की भारी उपस्थिति को हमारे बीच में महसूस करता हूं। पास्टर जॉन और हम लोग बातचीत कर रहे थे, परमेश्वर नुकसान उठाने वाला परमेश्वर नहीं है। जब परमेश्वर ने इस सभा के लिए खर्च किया है तो जरूर इससे फायदा भी निकालेगा, और वो फायदा है आत्माओं की उन्नति, आत्मिक जीवन में उन्नति, बीमारी से छुटकारा और छुटकारी परमेश्वर अपने लोगों को देने के लिए जा रहा है। इस थोड़े समय में जब लोग भीड़ आ रही है, बातचीत कर रही है, यदि आप अपना ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाएंगे, ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे, मैं आपको बदलाने के लिए जा रहा हूं। इस समय परमेश्वर अपने चमत्कार को आपके बीच में करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। जब उसके वचन का प्रचार होता है वहां पे चंगाइयां होती है, वहां पे छुटकारा होता है, वहां पे चमत्कार होता है। और इस समय जब हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए जा रहे हैं, उसके वचन को ऊंचा उठाने के लिए जा रहे हैं, प्रभु अपने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा अपने वचन को स्थापित करने के लिए यहाँ पर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और ओपनिंग बैट्समैन होने के नाते प्रभु के वचन को लेकर मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, और ओपनिंग बैट्समैन का काम है चौके छक्के लगाना, और इस समय हम प्रभु के वचन से चौके और छक्के को लगाने के लिए जा रहे हैं।
इस समय मैं परमेश्वर के एक नाम के बारे में आपसे बातचीत करने पर हूं, और जिस नाम के बारे में हम आज इस समय बात करेंगे वो है परमेश्वर, या अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, हिंदी में परमेश्वर, अंग्रेजी में गॉड, और इंग्लिश में लिखा है या हिब्रू में लिखा है एलोहिम। ओके, तो अगर मैं हिब्रू की बात करूं तो एक हिब्रू टीचर मुझे मिल गया यहाँ पर, वही उसको समझेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा हिब्रू में उनके सामने बोलने का प्रयास नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पर है। हिब्रू के बारे में, इब्रानी भाषा के बारे में आपसे बात करने के लिए, अगर आपको प्रकाशन चाहिए परमेश्वर का, तो परमेश्वर का पूरा प्रकाशन आपको एलोहिम में मिलेगा, एलोहिम में मिलेगा। तो किसी भी व्यक्ति को दर्शाने के लिए या प्रकट करने के लिए उसके नाम की आवश्यकता होती है, हम उसके नाम से उसको जानते हैं। अगर मैं बच्चों के साथ बहुत खेलता हूँ, जब भी कोई बच्चा मिल जाता है मैं उसके साथ खेलने लगता हूँ, और यदि आप बच्चों से लेन देन के बारे में बात करें, वो बहुत सी बातों में लेन देन करते हैं, पर आप इसको टेस्ट करके देखिएगा, जब आप बच्चे से कहें आपका नाम मैं अपने नाम से बदलना चाहता हूं, आपका नाम मेरे को दे दो, आप मेरा नाम ले लो, वो आपको बिल्कुल मना कर देगा, मैं अपना नाम नहीं दूंगा आपको, उसको हेलो, मुझे लगता है बहुत सारे प्रचारक आ गए, सब अपना हाथ ऊपर उठाकर यीशु के लिए लाएंगे। ओके, और हर व्यक्ति अपने बाजू वाले को टच करके बोलेगा थोड़ा देर शांत रहे, अपने बाजू वाले को बोलिए थोड़ा देर शांत नहीं है ना, मैं सबके पास जाकर उनको शांत नहीं करा सकता, पर हर बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति अपने बाजू वाले को शांत करा सकता है। तो यदि आपके बाजू वाला आपको बात करते लग रहा है तो उसको बोलिए थोड़ा देर शांत रहिए, आपका और मेरा चमत्कार आने पर है। ओके, तो परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। विलियम शेक्सपियर ने एक बार किया कहा, व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है, और उसको लगता था कि नाम में कुछ भी नहीं रखा है, पर यदि आप बात करें परमेश्वर के नाम के बारे में कि जो नाम परमेश्वर का दिया गया उस नाम में चमत्कार रखा हुआ है। एक छोटी सी दवाई बताकर मैं आपके ध्यान को आकर्षित करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, एक बार की घटना है, शैतान और उसका सिंहासन लगा हुआ था, शैतान का सिंहासन लगा हुआ था, शैतान अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था, और उसके दूर जो थे फॉलन एंजल अपनी अपनी रिपोर्टिंग देने के लिए उनकी मीटिंग लगी हुई थी, और वो अपने अपने रिपोर्टिंग देने के लिए आने लगे, और सारे लोगों से वो हिसाब किताब लेने लगा जिस प्रकार के कार्य को वो दिया था, और हरेक दूत आकर अपने अपने हिसाब को दे रहा था। इसी बीच में शैतान ने दो खास दूतों को नाम देकर कहा, तुम उस प्रभु के दास के बारे में उसको बताओ जिसको मारने के लिए मैंने भेजा था, और उन दोनों सदूत खड़े होकर रिपोर्टिंग देने लगे और कहने लगे कि हमने प्रयास किया कि सताव के द्वारा भीड़ को उसका कर पथरवा करके उनको मार डाले, पर वो किसी रीति से बच गए। उसके बाद हमने किसी लोगों को उचकाया कि वो गोली चलाए और गोली उन्होंने चलाया, पर गोली उनके सीने से टकरा कर रुक गई और वो नहीं मर पाए, और फाइनली उन्होंने कहा हमने अनेक बार उनको मारने का प्रयास किया पर यीशु नाम का व्यक्ति उनको बचा लेता है। ये जो पानी बजी है अभी और जोर हो जाएगी, मालूम है क्या हुआ उसके बाद, जैसे ही उन्होंने कहा यीशु उनको मृत्यु से बचा लेता है, जैसे ही शब्द निकला जीसस, आपको मालूम है क्या हुआ,
शैतान बहनों सो के गिर गया, शैतान बहनों सो के गिर गया। करीब दो घंटे के बाद जब उसको होश आया, दोनों स्वर्गदूतों को बुलाया, उनके कान के नीचे दो थप्पड़ लगा के बोला, ये नाम दोबारा मत लेना। बोले साहब क्यों, अभी देखा नहीं दो घंटे का प्रभाव? वो नाम में इतनी सामर्थ है जिसका नाम सुनते ही मैं दो घंटे बेहोश हो गया। तो आप याद रखो, वो नाम जो परमेश्वर का मेरे और आपको दिया गया है, उन नामों में सामर्थ है। और इस समय है जब हम परमेश्वर के नाम को GOD या एलोहिम को सीखने के लिए जा रहे हैं। इस नाम में परमेश्वर ने अपने बड़े भेद को छिपा के रखा है। और परमेश्वर के अनेक नाम बाइबल में जो दिए गए हैं, परमेश्वर के लोगों ने अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समस्याओं के बीच में परमेश्वर के उस नाम को जाना, उस स्वभाव को जाना, और उस नाम से परमेश्वर को पुकारने का उन्होंने प्रयास किया। और जो पहला नाम है जिसको अभी हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, वो है एलोहिम। और ये शब्द जो एलोहिम है या जो गॉड है, वो परमेश्वर से वो जुड़ा हुआ नाम है जो पिता से संबंधित है। गॉड जिसको हम पिता के रूप में जानते हैं। और यदि आप पिता के बारे में बात करें तो आप देखिएगा, पिता कभी अपनी ड्यूटी के द्वारा जाना नहीं जाता, पिता अपनी ड्यूटी के द्वारा या अपने कामों के द्वारा जाना नहीं जाना चाहता। जब कभी वो चाहता है कि उसके बच्चे उसको जाने, वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके स्वभाव से, उसके कैरेक्टर से उसको पहचाने। हम कई बार कोई पूछता है अपने पिता के बारे में बताओ, हम क्या कहते हैं, वो बड़ा प्रेमी है, मेरा पिता बहुत प्रेमी है, मेरा पिता बहुत केयरिंग है, ही इज वेरी लविंग, ही इज वेरी केयरिंग, वो बड़ा देखभाल करने वाला पिता है, मेरे पिता जैसा और कोई दूसरा नहीं है। आप देखे होंगे कभी भी कोई भी पिता अपने परिवार के बीच में खड़े होकर अपने बच्चों को अपने बारे में भाषण देकर नहीं सिखाना चाहता, अपने बारे में भाषण देकर नहीं सिखाना चाहता। आप कभी भी अपने देखे होंगे अपने अपने परिवार को टटोलिए, कोई भी पिता अपने बच्चों से नहीं कहता, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ था, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं ये करता हूं, कभी कोई पिता नहीं कहता। जब उसके बच्चे अपने पिता के साथ रहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको जानने लगते हैं, वो उसके बारे में जानकारी से अपने ज्ञान को डेवलप करते हैं, वो उसको पहचानने लगते हैं, उसके गुण से, उसके स्वभाव से, उसके चरित्र के द्वारा उसको देखकर, उसके सामने समय बिताकर उसको पहचानने लगते हैं। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि उसके बच्चे उसको पहचाने, उसको पहचाने। इस समय एक आयत हम पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे, नीति वचन 18 उसका 10, प्रवक्त चैप्टर 18 वर्स 10। कोई हमारे लिए पढ़ने के लिए अगुवाई करेगा, भजन संहिता 18 अध्याय उसकी 10वीं आयत, भजन 18 उसका 10। हाँ जी, एक माइक सामने किसी को भी बाइबल पढ़ने वाले को पकड़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। भजन संहिता 18:10, 18 थे नीति वचन, प्रोवर्ब्स नीति वचन 18:10। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा हिंदी में, मराठी में आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मराठी सुनने और समझने वाले काफी हमारे बीच में हैं। और बाइबल कहती है 18:10 में, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। मराठी में कोई ऊंची आवाज में पढ़ने के लिए प्रयास करेगा। हाँ जी, मराठी किसी के पास बाइबल, सब हिंदी
हिंदी समझते कितने हिंदी नहीं समझते वो लोग हाथ उठाएंगे, उससे मुझे समझ आ जाएगा। जो हिंदी नहीं समझता है, मैं अपना हाथ नीचे कर देता हूँ, मुझे हिंदी आती है ना। कितने हिंदी नहीं समझते? ओके, कुछ हाथ है जो हिंदी नहीं समझते हैं, बाकी ज्यादातर लोग हिंदी समझते हैं। ओके, तो कोई मराठी बाइबल में बोला 18 का नीति वचन 18:10 ओके। तो जब तक कि मराठी बाइबल को बोलने वाले लोग, मराठी वाले के पास एक माइक आता है, मैं आपसे कह रहा था बाइबल का परमेश्वर कहता है परमेश्वर का नाम दृढ़गढ़ है, दृढ़गढ़ है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग टावर। और बाइबल कहती है धर्मी उसके पास भागकर सुरक्षा पाते हैं। परमेश्वर के नाम के पास भागने से उसके बच्चों को सुरक्षा मिलती है। इस समय मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा जो लोग इस समय समस्याओं को लेकर आए हैं। अगर हमारे बीच में कोई समस्याओं को लेकर आया है, हो सकता है किसी बीमारी के साथ आए हो, या पारिवारिक समस्याओं को लेकर आए हैं, या फाइनेंशियल या धन की आवश्यकताओं को लेकर आए हैं, या किसी भी प्रकार के दुख और तकलीफ के साथ आज हमारे बीच में अगर आप आए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं आप एक सही जगह पर हैं। मेरे सर संदेश के समाप्त होने के बाद इस नाम के प्रभाव को मैं प्रार्थना के द्वारा प्रकट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ उस वचन के अनुसार काम करने का प्रयास करती है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया, तब प्रभु ने इस प्रकार से कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना करना, और वो क्या था? हे हमारे पिता, उसके आगे नहीं, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम। ओके, हियर कम्स द नेम। यहां पे परमेश्वर का नाम आता है, और यीशु ने सिखाया कि इस बात के लिए दुआ कर किया करो कि उसका नाम पवित्र माना जाए। और प्रभु ने इस बात को प्रकट किया कि वो पिता जो है अपने नाम के द्वारा जाना जाता है, और वो चाहता है कि लोग उसके नाम से उसको जाने। तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसकी पहली आयत में ये नाम आपको मिलेगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ओके, यहाँ पे लिखता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मराठी वाला कोई बोलने वाला मिल गया आपको? प्रारंभिक देवा ने आकाश व पृथ्वी के निर्माण के। ओके, आई एम वेरी हैप्पी। जो पढ़ रहा है उसकी हिंदी भी और मराठी भी दोनों अच्छी है। गॉड ब्लेस यू। मुझे अच्छा आदमी हरी है, अच्छा खोज रहा था। थैंक यू सिस्टर, बहुत ही अच्छा आपने पढ़ा। बाइबिल कहता है आदि में परमेश्वर ने, ये ऐसे ही नहीं बन गया, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी कल्पना करें। मैं आपके विश्वास को जगाना चाहता हूं, जितनी दूर तक मेरी आवाज जा रही है इस बात को जाने, और मैं चाहूंगा कि अपने बाजू वाले से कहे जितनी भी चीजें दिखती है वो मेरे परमेश्वर ने बनाया। हर बाजू वाला अपने आप बाजू वाले से कहे जितनी भी चीजें दिखती है उसका बनाने वाला मेरा परमेश्वर है, उसका बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, इट्स अ बिग थिंग। मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, जब मैं आपसे ये कह रहा हूं जितनी भी बातें दिखाई देती है इस धरती पे, चाहे वो हिमालय पर्वत हो, है ना, चाहे कोई भी चांद हो, तारे हो, गैलेक्सी हो, उसकी बनाई गई सृष्टि को समझने में अभी तक साइंटिस्ट असफल है। उसके चांद और तारे के डिस्कवर करने में, ग्रहों को डिस्कवर करने में अभी तक 21वीं
शताब्दी में साइंस असफल हुआ है, अभी भी खोज कर रहा है, अभी भी साइंटिस्ट भेजे जा रहे हैं चंद्रमा में, उसका बनाने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं, आप किसी टॉम डिक एंड हैरी के बेटे बेटी नहीं है, आप जिसके बेटे और बेटी हैं, उसका बनाने वाला परमेश्वर महान परमेश्वर है। आज मैं और आप जिस परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहां पर आए हैं, उसके नाम में, उसके वचन में इतनी सामर्थ है, जिसके वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना होती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आदि में परमेश्वर ने इस नाम को किसी ने प्रकट नहीं किया, इस नाम से किसी ने परिचय नहीं कराया, इस नाम का किसी ने किसी से परिचय नहीं कराया। यह बाइबल में पहले ही लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक 1:1 में यह ऐसे ही लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये नाम एक डिक्लेरेशन है, यहां पर डिक्लेयर कर रहा है, इट्स अ सेल्फ डिक्लेरिंग नेम। जो एलोहिम है वो सेल्फ डिक्लेरिंग नेम है, यहां पे परमेश्वर स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूं। मुझसे पहले कोई है नहीं कि मेरा परिचय कराए, अभी पास्टर राजेश बाकी सब लोगों का परिचय करा रहे थे। प्रभु का धन्यवाद, वो एक पास्टर आए और उन्होंने पास्टर राजेश का परिचय करा दिया, ये अच्छी बात है ना। पर परमेश्वर का परिचय कराने के लिए भाई कोई नहीं आया, क्योंकि कोई था ही नहीं, इसलिए उनको खुद खड़े होकर बोलने लगा आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूं और मेरे द्वारा ये सारी चीजों की सृष्टि हुई है। और ये नाम करीब 2500 से ज्यादा बार बाइबल में आया है, 2500 टाइम्स ये बाइबल में आया है। और ये नाम केवल डिक्लेयर करता है, परिचय नहीं कराता, रिवील नहीं कराता, पर ये घोषणा करता है कि ये नाम है। और इस नाम के अर्थ को अगर हिब्रू से देखें तो इस नाम का मतलब होता है पावर, इस नाम का मतलब होता है सामर्थ, इस नाम का मतलब होता है शक्ति, इस नाम का मतलब होता है पैदा करने वाला, बनाने वाला, क्रिएटर गॉड, क्रिएट करने वाला, किसी भी चीज को बनाने वाला। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, जब कभी भी मेरी बात आती है मेरे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरे फायदे का वचन है। सुबह मैं पास्टर से कह रहा था, मैं अपने लिए भविष्यवाणी करने वाला नहीं खोजता, मैं वचन को खोजता और उसी को भविष्यवाणी के रूप में ले लेता हूं। आकाश और पृथ्वी टल सकती है, पर उसका वचन बिना पूरे हुए नहीं टलता। और इस समय मैं आपको चमत्कार की बात बतलाने के लिए जा रहा हूं, यदि किसी के जीवन में किसी भी चीज की कमी है, जिसका उसके जीवन में पैदा होना है और उसका नाम है जो उसको पैदा करेगा, उसका नाम है परमेश्वर। आप गलत नाम से गलत व्यक्ति को पुकारेंगे तो गलत चीजें होगी। अगर आपको चंगाई के लिए जाना है, ट्रीटमेंट के लिए जाना है, आप ट्रीटमेंट के लिए आपको जाना है, इलाज के लिए आपको जाना है, आप एक इंजीनियर के पास चले जाइए, एक इंजीनियर के पास चले जाइए, आपको चिंता करेगा, हथौड़ा लेके और थूक बजा के आपको फोड़ फाड़ के भेज देगा, जो आप ठीक ठाक गए थे उसको भी फोड़ गए। आप इंजीनियर के पास जाए और बोले इंजीनियर साहब मेरे दांतों में बहुत दर्द है, कहीं पे कीड़े आ गए, इसको इसको ठीक कर दो, लारे भाई हथौड़ा छीनी ले गया, मारा फोड़ दिया, खत्म। समझ रहे? आप डॉक्टर खोजेंगे, आप उसके लिए डॉक्टर खोजेंगे और बोलेंगे इज देयर एनी डॉक्टर, यू वोंट सर्च फॉर द इंजीनियर। उसी प्रकार जब आपके जीवन में किसी चीज को पैदा करना है, आपको पूछना पड़ेगा वेयर इज माई गॉड। देयर आर सो मेनी नेम्स, बाइबल में उसके अनेक नाम दिए गए हैं, पर जब कभी आपके जीवन में किसी चीज को पैदा होना है जो पहले नहीं है,
आपको ढूंढना पड़ेगा परमेश्वर के लिए. ओके, लेट्स से कितने शर्माइएगा नहीं, मैं परमेश्वर के आत्मा में होकर यहाँ पे कह रहा हूं. कोई यहाँ पर है जो जीवन साथी की तलाश में है, काफी समय से उनका विवाह नहीं हो पा रहा है और वो जीवन साथी के तलाश में है, चाहे लड़की के या लड़के के, या कोई माँ बाप है हमारे बीच में, मैं चाहूंगा अपने हाथ ऊंचा करें. ओके, और जितनों के हाथ ऊंचे हैं मैं चाहता हूं कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएं. जितने अपने बेटे बेटी के लिए मैचेस खोज रहे हैं विवाह के लिए, शर्माइए नहीं. मैं आत्मा की अगुवाई में कह रहा हूं, कोई यहां पर है अपने बेटे अपने बेटी के लिए विवाह के लिए चिंतित है और उनके लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, इस समय मैं प्रभु की आत्मा में वचन बोलूंगा और आपके जीवन में होगा. पास्टर रमेश हमारे बीच में है, आप उनको दवाई के रूप में सूचना दे सकते हैं. जो खड़ा होगा वो पाएगा, क्योंकि एलोहिम आदम के लिए हवा को बना के लाया. हालेलुया, आदम के लिए हवा का बनाने वाला परमेश्वर था. आपके बेटे आपकी बेटी के लिए, या आप अगर स्वयं खड़े हुए हैं तो उसके लिए भी जीवन साथी का बनाने वाला एलोहिम. अभी हम एलोहिम से कहेंगे कि हमारे लिए भी जीवन साथी चाहिए, हमारे बेटे के लिए हमारी बेटी के लिए जीवन साथी चाहिए. और मैं आपके लिए बोलने के लिए जा रहा हूं, आपको सिर्फ ये कहना है मैं ग्रहण करती हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, और ये आपके जीवन के लिए हो जाएगा. मैं कहना चाहता हूँ ये साल का अंतिम महीना 2022 का अंतिम महीना आपके जीवन में एक ब्लेसिंग को लेकर आ रहा है. इससे पहले कि 2023 का आरंभ हो, मैं प्रभु की आत्मा की अगुवाई में कहता और घोषणा करता, एलोहिम गॉड के सामर्थ्य से इनके जीवन के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बेटे और बेटियों के लिए मैं जीवन साथी के आने की घोषणा करता. एलोहिम गॉड, जैसे आपने आदम के लिए हवा को बनाकर लेकर आया, उसी प्रकार प्रभु जी ये जो लोग खड़े हैं इनके लिए भी, जो जीवन साथी को इनके बेटे बेटियों के लिए आपने बनाया है, यीशु के नाम से इनके जीवन में वह जाए, इनके जीवन में यीशु के नाम से ये आ जाए. इससे पहले कि 2022 खत्म हो, यीशु के नाम से इस चमत्कार को मैं इनके जीवन के लिए रिलीज करता हूं. Let them receive their blessing in the mighty name of Elohim. Amen. एक जोरदार ताली प्रभु के लिए. Hallelujah. और एक भेद की बात मैं आपको बताऊं, पूरा उत्पत्ति की पुस्तक एक अध्याय आप पढ़ लें, उत्पत्ति की पुस्तक एक अध्याय आप पढ़ लें, थोड़ी सी भेद की बातें मैं इसमें आपको बता दूं. आपको खोजने के लिए अंग्रेजी बाइबल में आपको एलोहिम के लिए जी ओ डी कैपिटल में आपको जी ओ डी मिलेगा. हिंदी बाइबल में आपको परमेश्वर लिखा हुआ मिलेगा. हर नाम में फर्क है, आप समझिएगा इस बात को, हर नाम में फर्क है. तो परमेश्वर एलोहिम को दिखाने के लिए हिंदी में परमेश्वर, अंग्रेजी में गॉड लिखा हुआ है. और उसका दूसरा नाम जो हिब्रू में आया है युड है, वाव है, या हिंदी में इसको यहोवा कहते हैं. आपको उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय में नहीं मिलेगा, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय में जब भी आपको लिखा होगा गॉड क्रिएटेड, पहले दिन परमेश्वर ने यह बनाया, दूसरे दिन परमेश्वर ने यह बनाया, तीसरे दिन परमेश्वर ने यह बनाया. गॉड ओनली क्रिएट्स, परमेश्वर बनाता है. अपने मन में बिठा ले, या जाने से पहले अपने आप से कहें बनाने का काम परमेश्वर कहता है, परमेश्वर करता है बनाने का काम. जो चीज है ही नहीं उसको पैदा करने का काम परमेश्वर करता है. प्रभु की आत्मा मुझसे कह रही है, मैं बोलते बोलते सुनते रहता हूं, और प्रभु की आत्मा कह रही है दुनिया में नौकरी नहीं है, दुनिया में रिसेशन है,
नौकरियां जिसकी है उसको भी लिया जा रहा है, पर इस समय परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, आई एम द गॉड हु क्रिएट जॉब। मैं वो परमेश्वर हूं जो नौकरी को पैदा करता हूं। हालेलुया। और इस समय जितने भी जवान मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो कहे, प्रभु वो तू परमेश्वर है, आप वो परमेश्वर है जो नौकरी को पैदा करते हैं और मेरी नौकरी मेरे जीवन में आ रही है। सरकार चाहे मेरे लिए नौकरी पैदा करे ना करे, अगर सरकार मेरे जीवन के लिए नौकरी पर पैदा करने के लिए असमर्थ हो, पर मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता, जो आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता, वो मेरे लिए नौकरी पैदा करने जा रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पैदा करने वाला परमेश्वर है। कल की सुबह उसके दूसरे नाम को पढ़ेंगे, यहोवा। परमेश्वर पैदा करता है और यहोवा हमारे जीवन में उसको लेकर आता है। और आपको मालूम है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया पहली बार एलोहिम से उसका नाम बदल गया। आपको याद हो एलोहिम ने मनुष्य को नहीं बनाया, एलोहिम जीओडी हिंदी का परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया। आप बोलेंगे अभी तक तो हमने सुना परमेश्वर ने आदि में मनुष्य की सृष्टि की, नहीं। पढ़िएगा दूसरा अध्याय उसकी तीसरी आयत, दूसरा अध्याय उसकी तीसरी आयत में बाइबल में परमेश्वर का नाम बदल गया। पढ़िएगा, पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि के रचना काम करके सारे काम से विश्राम किया। और चौथी आय, आगे आपकी माइंड, चौथे में लिखा है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है, जब वे उत्पन्न हुए अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तब सातवीं आयत में लिखा है। पढ़िएगा सिस्टर, सातवीं आयत दो का सात, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। बस किसने आदम को रचा? नहीं, भूमि की मिट्टी से किसने रचा? यहोवा परमेश्वर। अब दूसरे अध्याय में यहोवा नाम की उत्पत्ति। अभी आप बोल रहे होंगे मैं तो बाइबल पढ़ा पर इस तरीके से नहीं पढ़ा, हम लोग गॉड को गॉड के नाम, अरे सब तो एक है, जो भी होगा आपस में बात रही है। नहीं, आपको भी यहाँ पे स्वागत के लिए बुलाने पड़ा, जो भी प्रचारक आ जाए बोलने से नहीं आते, नाम लेके बोलने से आना पड़ता है ना, नाम लेकर बुलाना पड़ता है, जिसका नाम दिया गया वही आता है। और यहां पर बाइबिल कह रही है यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाया, मनुष्य को एलोहिम ने नहीं बनाया। युड है वाह, अवर रिलेशनशिप विद द युड है वाह, हमारा संबंध, मनुष्य का संबंध जिससे है वह है यहोवा। हालेलुया, यहोवा। और इस तरीके से परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने, कल इसके प्रकाशन को हम देखेंगे। एलोहिम जो है सेल्फ डिक्लेरिंग गॉड है, और यहोवे जो है रिवीलिंग, उस डिक्लेयर गॉड को जो घोषणा करता है उसको प्रकट करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को प्रकट करने वाला और उससे जोड़ने वाला जो नाम है याहवे, यहोवा, जो हमको कनेक्ट करता है क्रिएटर गॉड से। और इस समय मैं आपको उस नाम से कनेक्ट करना चाहता हूं जिसका नाम है एलोहिम। क्या आज आप किसी चमत्कार की ओर देख रहे हैं?
आज कोई भी व्यक्ति जो इस समय चमत्कार की ओर देख रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे इस समय आपको बताने की आवश्यकता है, उत्पत्ति की पुस्तक एक अध्याय बदलाता है। जितनी भी बातों को उसने सृष्टि किया, उसने शब्द कहे और वो हो गया। उसके शब्द में सामर्थ है, उसके शब्द में बनाने की ताकत है। वो वचन कहता है और वो पूरा हो जाता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन परमेश्वर है, उसमें सामर्थ है पैदा करने की। और जब परमेश्वर के संत यहां से घोषणा करते हैं, उसके द्वारा चीजें पैदा होती है। आज उसके शब्दों के द्वारा चमत्कार की उत्पत्ति होती है। आज के बाद जितने भी समय प्रभु के दास यहाँ पे आकर वचन की घोषणा करेंगे, मैं आपको प्रवेशी के रूप में कहता हूँ, वो आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। आज की सुबह परमेश्वर की आत्मा भविष्यवाणी के रूप में आपसे ये कहती है, जितने भी लोग आकर यहाँ पर बैठे हैं, उसमें से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। कोई भी जाकर जो लोग उनसे पूछेंगे, आप जब गए थे गढ़चिरौली में, वहां से क्या लेकर आए, मैं आपको कहना चाहता हूं, जाने के पहले आपके पास टेस्ट बनी होगी, जाने के पास पहले आपके पास एक गवाही होगी, जाने से पहले आपके पास एक चमत्कार होगा, जाने के पहले आपके पास एक कहने के लिए बातें होगी कि अपने लोगों को आप जाकर बता सके, जिस परमेश्वर से हम मिलने के लिए गए थे वो एक जिंदा परमेश्वर है और उसने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। मैं गया था खाली हाथ, पर लेकर कुछ आ रहा हूं। हालेलुया, ताकि वे लोग कहें, अगली बार मैं किसी मीटिंग से नहीं चुकूंगा, क्योंकि जो लोग मीटिंग में जाते हैं वो खाली नहीं आते, वो कुछ लेकर आते हैं। हालेलुया। इस समय मैं कुछ घटनाओं को, कुछ बाइबल के कैरेक्टर और घटनाओं को लेकर आपके विश्वास को जगाकर मैं प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। आपको मालूम होगा, एक 75 साल के व्यक्ति अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। मालूम है ना, अब्राहम और उसने उसको जब बुलाया तो उसकी आयु थी 75 साल की। और ये 75 साल का व्यक्ति बोला, प्रभु जब रिटायरमेंट की उम्र आती है आप मुझे काम में बुला रहे हो। यही तो विधाता है परमेश्वर की, जब कंपनियां आपको रिटायर करती है परमेश्वर आपको सिलेक्ट करता है। आज जितने भी लोग अपने अपने क्षेत्रों में रिटायरमेंट की ओर देख रहे हैं, इसलिए हमारे राजेश भाई ने हमारे भाई मानखड़े का परिचय कराया। मैं उनके अंदर एक जवान व्यक्ति को देखता हूँ। हालेलुया। और आज जितने भी लोग खाली बैठे हुए लोग लग रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको लगता होगा मुझ में कोई खासियत नहीं है कि प्रभु मुझे बुलाए, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, इस 3 दिनों में आप में से अनेक लोग परमेश्वर की बुलाहट को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। अंतिम समय के मजदूरों को इस समय परमेश्वर इस बड़ी भीड़ में खोज रहा है। इस बड़ी भीड़ में परमेश्वर अंतिम समय के मजदूरों को खोज रहा है। और तब परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में अब्राहम को बुलाया और वो बोला, ठीक है प्रभु बुला लिए, पर करोगे क्या? आपको मालूम है प्रभु ने क्या कहा? मैं तेरे द्वारा एक देश पैदा करूंगा। और जैसे ही प्रभु ने उससे कहा मैं तेरे द्वारा देश पैदा करूंगा, अब्राहम सारे को देखा और सारे अब्राहम को देखी और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ये परमेश्वर को शायद मालूम नहीं कि तू बांझ है और मैं बूढ़ा हो गया हूं। तू बांझ है, मैं बूढ़ा हो गया हूं और ये बातें कर रहा है, एक दो बच्चे के लिए पूरा का पूरा देश पैदा कर दूंगा बोलता है। कौन सा गॉड है ये जो बूढ़े लोगों के द्वारा देश पैदा करने जा रहा है? और उसने कहा, मेरा नाम एलोहिम है। परमेश्वर ने उसको अपना नाम एलोहिम बताया और कहा, जहां पे कुछ नहीं होता, जहां से कुछ पैदा होने की संभावना नहीं होती, वहां से मैं सब कुछ पैदा कर सकता हूं।
और आज वही परमेश्वर आपको और मेरे से कह रहा है, जहां पर आप थक कर हार चुके हैं और आपको लग रहा है अब कुछ नहीं पैदा हो सकता, अब कुछ नहीं पैदा हो सकता, वहीं से आपका एलोही आपसे कहता है, मैं वहां से पैदा कर सकता हूं जहां पर तुम थक के हार चुके हो, जहां से तुमने अपनी उम्मीदें खो चुके हो, मैं वहां से आपके लिए पैदा कर सकता हूं। और तब अब्राहम का विश्वास जगाने के लिए उसे कहता है, आकाश के तारों को देख और समुद्र के बादलों के किनकों को देख, जितना इनकी संख्या है उतनी तेरी संतानें होगी। अर्थात बालू का मतलब है नेचुरल चाइल्ड, है ना, स्वाभाविक संतान, बालू के किनकों के समान अतः इसराइली और तारों के समान आत्मिक संतान, आत्मिक संतान। आज मैं आपको बता दूं, अब्राहम तो मरकर चले गया, ऐसा अनोखा से प्रभु क्या पैदा होता है, अब्राहम मरकर चले गया पर बच्चे अभी भी पैदा होते हैं, अभी भी पैदा होते। यीशु मसीह ने क्या बोला नए नियम में, आज भी जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बर्थडे सेलिब्रेट होता है, क्योंकि वो किसका बच्चा है, विश्वास करने वाला अब्राहम का बच्चा है। बोले अब्राहम बाबा एक और पैदा हो गया, देखो एक और पैदा हो गया, लाओ हैप्पी बर्थडे केक लेके आओ, काटो स्वर्ग में। अब्राहम क्या एक और देखा था, आज भी एक विश्वासी पैदा होने से स्वर्ग में सेलिब्रेशन होता है और वो भी अब्राहम की संतान होता है। हालेलुया, आगे अगर आप चलोगे, हालेलुया, एक 80 साल के बुड्ढे को प्रभु ने बुला लिया जिसका नाम है मूसा, भागा हुआ, हत्यारा, हत्या करके भागा हुआ, देश बाहर, मिस्र से बाहर भाग गया। 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति उसको आवाज लगाकर बोलता है, मैं चाहता हूं मूसा तुम मिस्र को जा और अब्राहम की संतान को उसमें से बाहर निकाल के ला। और मूसा बोलता है, मैं कौन हूं जो उनको निकाल कर लेकर आऊंगा, वो मुझे नहीं जानते, वो मुझे नहीं ग्रहण करते। परमेश्वर ने एक ही बात कहा, मैं तेरे संग रहूंगा। और उसने पूछा, आपका नाम पूछे तो क्या होगा, वो कल सीखेंगे। और उसने उसको अपना नाम बताया, एलोही, एलोही। और जब एलोही गॉड मूसा के द्वारा इसराइलियों को निकालकर बाहर लेकर आ रहा था, और जब बाहर लेकर जा रहा था, सामने लाल समुद्र उनकी रास्ता रोककर लग गया, लाल समुद्र अपने पूरे उफान में था। और मुझे आपसे बातें करने दे, और जब मूसा वहां पे आकर रुक गया, इसराइली कुड़कुड़ाने लगे, इसराइली कुड़कुड़ाने लगे, मूसा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। परंतु परमेश्वर कहता है, मेरा नाम एलोहिम है, हालेलुया, मेरा नाम एलोहिम है। और वो कहता है, जहां पे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, जहां पे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, मैं वहां से भी रास्ते निकाल सकता हूं। हालेलुया, आज जहां पे आपको रास्ता नहीं दिखाई देता है, जीवन के किसी स्थान पे आकर अगर आप रुक गए हो, आज किसी से प्रभु की आत्मा इस समय बात कर रही है और बात करते हुए आपसे कह रही है, अगर आज आपके जीवन में आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आप किधर जाए, इधर जाए तो जंगल है, इधर जाए तो रेगिस्तान है, आगे जाए तो लाल समुद्र है, और पीछे जाए तो फिरौन की सेना चली जा रही है, चारों तरफ से मौत ही मौत है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे समय पे एलोहिम कहता है, आई एम अ गॉड, माई नेम इज एलोहिम, जहां पे कोई रास्ता नहीं दिखता वहां से मैं रास्ता पैदा कर सकता हूं। और तू अपनी लाठी बढ़ा और मैं अपनी पैदा करने वाली ताकत से, अपने बनाने वाली ताकत से इस लाल समुद्र को दो भाग कर वहां से रास्ता निकालूंगा और तुम इस लाल समुद्र के बीच से होकर जाओगे। का परमेश्वर जो आज भी जीवित है, वो आज आप में से अनेक लोगों से कहता है, आज वो आपके लिए रास्ता निकालने के लिए जा रहा है, जहां आपके लिए रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, जहां पे आपके लिए प्रभु की आत्मा कहती है, सेवकों के लिए कहती है,
कुछ सेवक ध्यान से सुनेगा, लिखा बहुत सीखे देने में आपकी सेवा के स्थान पे आप थक गए हैं। प्रभु की आत्मा बता रही है, आपने मेहनत किया है, पर आपने अपने मेहनत का, जितनी मेहनत आपने की है उतना प्रतिफल नहीं पाया। आपको लग रहा है, आप प्रभु से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभु जितनी सेवा मैंने किया है, जितने सताव मैंने आपके लिए, विरोध मैंने आपके लिए उठाए हैं, उतना रिजल्ट मेरे मिनिस्ट्री में नहीं दिखता। अभी भी बहुत मुट्ठी भर लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर प्रभु की आत्मा कह रही है, वह ध्यान से सुनिए, आपको विश्वास नहीं होगा, पर मैं देखता हूं एक बाढ़ की आवाज को मैं समय सुन रहा हूं, और ये बाढ़ किसी नदी की बाढ़ की आवाज नहीं है, एक भारी बाढ़ की आवाज प्रभु मेरे कानों में सुना रहा है, और ये कहता है बेदारी की बाढ़ है, बेदारी की बाढ़ है। ओ लिखा बासे के देने में, write down my word and video is capturing my word now। और प्रभु की आत्मा कहती है 2023 के आरंभ में ही, अप्रैल महीने के पूरे होने तक बेदारी की पहाड़, जितने स्थान से ये लोग आए हैं और स्थानों में बेदारी की पहाड़ आने वाली है। वे पास्टर जो पूछ रहे हैं मेरी सेवा की आत्माएं कहाँ है, प्रभु कहता है चारों दिशाओं में से लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। अभी तक आप आत्माओं को ढूंढते थे, अभी तक लोगों के घर के दरवाजों को खटखटाते थे, अब सुबह सुबह आत्माएं आपके घर के दरवाजे को खटखटाएगी, आत्माएं आपके जीवन को खटखटाएगी और कहेगी मुझे आपके यीशु की जरूरत है। हालेलुया। God is going to move in a powerful way in your places। प्रभु बड़े सामर्थ्य रीति से आपके क्षेत्र में चलने और फिरने के लिए जा रहा है, वह लाल समुद्र के बीच में आपके लिए रास्ते को निकाल के जा रहा है। लिखा बोशे के देने में, the mighty presence of the Lord is in our midst। प्रभु की महान उपस्थिति हमारे बीच में है, प्रभु की महिमा हमारे बीच में उतर आई है। प्रभु ना केवल मेरे लिए नहीं कर रहा है, प्रभु के संत जो यहाँ पे आए हैं, एक एक संत प्रेसियस है। जितने लोगों को आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा ये नहीं है, ये सारे प्रभु के अभिषिक्त हैं। जो भी इस पुलपिट पे खड़ा हुआ बोलेगा, उसकी वचन उसकी वाणी आपके हृदय को छेदेगी, उसके अंदर से सामर्थ्य निकलेगी और आप परमेश्वर की महिमा को अलग अलग विशेष रूप में चखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू जब प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने पर ही था, एक यहूदियों की दीवार उसका रास्ता रोक दी, यहूदियों की दीवार उसका रास्ता रोक दी अब उन्हें आगे नहीं जाने देंगे। और तब एलोहिम ने कहा, तुम इसका चक्कर लगाओ, और चक्कर लगा के सातवें चक्कर सातवें दिन जब लगाओगे, जोर से आवाज करना, और एलोहिम गॉड अपनी सामर्थ के द्वारा उस ऊंची दीवार को नीचे गिरा कर रख देगा। बाइबल का परमेश्वर इस समय भविष्यवाणी के रूप में कर रहा है, जो भी दीवार आपका रास्ता रोक कर रखी है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, इस समय एलोहिम की सामर्थ और परमेश्वर की सामर्थ उस यरीहो की दीवार को, जो भी उसका नाम आपके क्षेत्र में है, उस ऊंची दीवारों को नीचे गिराने के लिए जा रहा है, उन सैतानिक ऊंचे खड़ों को। हालेलुया। जब मैं बेदारी की बात कर रहा हूँ, और रीखा बाखा नाबा, इस समय परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर की सामर्थ मेरे आंखों को खोल रही है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लूका के 10वें अध्याय में बिजली के नाई शैतान को गिरते हुए देख रहा है, इस समय प्रभु की आत्मा मुझे आपकी आंखों में दिखा रही है, आपके क्षेत्रों में अंधकार की शक्तियों के गढ़ नीचे गिर रहे हैं। जो भी गढ़ आपके क्षेत्र में दुष्टात्माओं के गढ़ है, जब यहाँ से आप जाएंगे, आप बड़ा हल्का महसूस करेंगे। दुष्टात्माओं के गढ़ों को इस समय जब आप यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं,
सारे मैं कह सकता हूं, पर एक आप ही कह के कह सकता हूं, उद्धार होता है यीशु के आने से, उद्धार होता है यीशु के आने से। और आपको मालूम हो क्रिसमस के उत्सव को हम मना रहे हैं। यीशु का जन्म कैसे हुआ, यीशु का जन्म कैसे हुआ? पहले गैब्रियल आए, इससे पहले कि पवित्र आत्मा आए, अपने बाजू वाले से बोले, इससे पहले कि पवित्र आत्मा आता है, गैब्रियल हिंदी में क्या बोलते हैं, जिब्राइल आता है, बोलो जिब्राइल, है ना? हाँ, इससे पहले कि पवित्र आत्मा आए जिब्राइल आता है, बोलिए, इससे पहले कि पवित्र आत्मा आए जिब्राइल स्वर्गदूत आता है। ओके, इतने सारे स्वर्गदूत प्रभु ने आपके लिए भेज दिए हैं। और जिब्राइल स्वर्गदूत क्या कैसे आया? जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को लेकर आया कि तू एक पुत्र को जन्म देने वाली है। वो एक कुमारी है, वो पुत्र को अकेले नहीं पैदा कर सकती, यही तो जन्म है यीशु का। आज प्रभु के ये स्वर्गदूत लोग आपके पास आए हैं। आज प्रभु को स्वर्गदूत भेजने की जरूरत नहीं, उसके दूत ही काफी है। मैसेंजर्स, ग्रीक में कहते हैं मैसेंजर्स, वी आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। और वो आपको गैब्रियल की तरह गुड न्यूज देने के लिए आ रहे हैं, यीशु के जन्म का। यीशु आपके जीवन में, आपके क्षेत्र में पैदा होने वाला है। और ये पर्याप्त नहीं था, वचन पर्याप्त नहीं होता जब तक उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं आता। जब वचन आता है तो लोग पूछते कैसे होगा। मरियम ने पूछा ये कैसे हो सकता है, मैं तो कुमारी हूं, मैं तो कुमारी हूं, ये कैसे हो सकता है? आप भी बहुत सी भविष्यवाणी के शब्दों को जब मैं कह रहा हूं गैब्रियल के रूप में, आप बोले ये कैसे होगा, बेदारी की बाढ़ कैसे आएगी, हमारे क्षेत्र के गढ़ कैसे गिराए जाएंगे? सबदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। हालेलुया। और ये जो वचन मैं कह रहा हूं, ना तो बल से ना तो शक्ति से, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और उसकी सामर्थ से तू गर्भ को धारण करेगी, बिना पुरुष की सहायता से तू इस बच्चे को जन्म देगी। क्योंकि एलोहिम जहां से कुछ नहीं होता वहां से सब कुछ पैदा करता है। और आज आपके लिए गुड न्यूज है, एलोहिम आपके लिए पैदा करने जा रहा है। मैं चाहता हूं अपने स्थान पे खड़े हो जाए, सब अपने जीवन के लिए घोषणा शुरू करें, सारे अपने स्थान पे खड़े हो जाए, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए और एलोहिम हिंदी में अगर आप कहें परमेश्वर, परमेश्वर, अगर मराठी में कहे देवाचा, देवाचा, मुझे ठीक से नहीं आती, आप प्रोनाउंस करके कहे, सारे लोगों से परमेश्वर का नाम निकलना आरंभ हो जाए। जितने हाथ उठे हैं सब अपने आवाज को ऊंचा करें, थोड़ी देर अपने आवाज को ऊंचा करें और कहें परमेश्वर। आपके जीवन में पैदा होना आरंभ हो जाएगी, चाहे फाइनेंसिस का पैदा होना है आपके जीवन में, परमेश्वर के फाइनेंसिस का फ्लो पैदा होना आरंभ होगा। यदि दुष्ट आत्माओं का निकलना है, सार का टूटना है आपके जीवन से, एलोहिम की सामर्थ के द्वारा हर एक साप, हर एक बंधन आपके जीवन से टूटना आरंभ हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग अपनी आवाज ऊंचा करके पुकारने लगे, जैसे प्रभु की आत्मा आपको अगुवाई करती है, अन्य अन्य भाषा बोलकर भी आप उसकी महिमा कर सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं।
हालेलुया रबा शेके देरे पो शेके देरे बे रिखा बा शेके देरे बे रोको
लोगों हजारों लोकांचा आकडा पार केला आहे. मैं विश्वास करता हूं कि यहां पे जो भी दास खड़ा होगा, परमेश्वर अपने आप को यहां से अपने लोगों पर भेजेगा. प्रत्येक लोक या मीटिंग मध्ये असणारे प्रत्येक लोकांवर तो देवाची अग्नि उतरणार, देवाची अग्नि उतरणार, देवाची अग्नि उतरणार. हाँ, स्वीकार करणे म्हणतो याला. प्रेज द लॉर्ड. आणि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ फिर एक बार पास्टर प्रशांत मसीह के लिए. उन्होंने परमेश्वर के बारे में सिखाया हमें. एलोहिम, वो हमारा एलोहिम है. प्रेज द लॉर्ड. अब हम लोग थोड़ा सा आज तीन सेशन होना चाहिए था इस समय में, लेकिन अभी दूसरी सेशन की शुरुआत हो रही है. लेकिन आज पूरे दिन भर में पूरे सेशन कवर कर लेंगे. प्रेज द लॉर्ड. हमारे बीच में पास्टर रिचर्ड जॉन है और इस समय वो परमेश्वर के सामर्थ्य संदेश को हमारे बीच में लाएंगे. हम ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे. सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद हम अपने पास्टर रिचर्ड जॉन ने इनका स्वागत करें. इनका धन्यवाद आवाज बनाए रखना. थैंक यू पास्टर. Come on, hallelujah! ये बिल्ली वाला हालेलुया, शेर वाला हालेलुया, हालेलुया. अरे भारी लग रहा. आता हाथ वर करो, हालेलुया. अजून भारी लग रहा. अजून एक हाथ वर करो, हालेलुया. आता हाथ वर सेवा दूर नहीं. हे हात म्हणजे वायफाय, हेवन स्वर्गाबरोबर कनेक्शन होते. हालेलुया. जेव्हा आपले हात वर जातात देव आम्हाला विजय देणारा देव आहे. कमान हालेलुया. बोलो येशू मसीह की. हात खाली. मी देवाचे आभार मानतो की या सुंदर वेळेबद्दल. त्यासोबत आदरणीय पास्टर मनापासून आभार मानतो. त्यांनी या ठिकाणी मला आमंत्रित केलं आणि खास आमंत्रित केलं मराठी वक्ता म्हणून. आमेन. महाराष्ट्र लय भारी. हालेलुया. सर्वांना समजतं मराठी? हात वर करून दाखव ना. अरे क्या बात है. ओके. देवाचे आभार मानतो त्यांच्या या प्रेमाबद्दल, या आमंत्रणाबद्दल. मी देवाचे आभार मानतो. आणि त्यांनी ब्रदर मनोज त्या ठिकाणी मला परिचय देताना सांगितलं. आणि पास्टर मनोज माझे आत्मिक गुरु आहेत. आणि ते आणि मी जेव्हा दोघं बोलतो कुणाला समजत नाही की कोण बोलतोय, नक्की मनोज बोलतोय की रिचर्ड जॉन बोलतोय. हा देवाचा अभिषेक आणि कृपा आहे. त्या सर्व गौरव आम्ही प्रभू ईश्वरा देत आहे. हालेलुया. पण हे फक्त इंग्लिश मध्ये बोलताना होतं, मराठीत मध्ये बोलताना होत नाही. हालेलुया. शेजारच्याला म्हणा तुम्ही फार सुंदर दिसता. शेजारच्याला म्हणा नका बघू, शेजारच्याला नका. त्याला फार सुंदर दिसता. किती कठीण आहे एका बाईने दुसऱ्या बाईला सुंदर बनणे, है ना. देवाचे आभार मानतो पास्टर. आज प्रशांत साठी आमच्यामध्ये आहे आणि खूप जुनी दोस्ती आमची आहे. हालेलुया. आणि खूप वर्षाने भेटल्यामुळं तुम्ही बघितलं असं कडकडून भेटलो आम्ही. आमेन. मी देवाचे आभार मानतो त्यांच्या सेवेबद्दल. पास्टर मसी रायपूरचे त्यांच्या सेवेबद्दल, पास्टर जॉन आणि जितके देवाचे महान सेवक आहे सर्वांचं मनापासून आभार मानतो की या ठिकाणी परमेश्वरानं या सर्व देवाच्या आणि इतक्या लोकांना एकत्र करणं हे पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये झालेलं. हालेलुया.
दोन वक्ते झेलता झेलता त्रास होतोय हे माणूस दहा वक्ते आणतो म्हटल्यानंतर माझ्या तोंडाला फेस आला. आमेन. पण निश्चित जो दृष्टांत परमेश्वरांनी त्याला दिलेला आहे तो पूर्ण होत आहे. आमेन. त्यांच्याकडे त्यांच्या बायकोकडे बघितलं असं वाटत नाही की त्यांना सून आहे ना, पण भारी दिसत आहे तुम्ही दोघे. प्रेज द लॉर्ड. कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड. A vibrant hallelujah. Bolo Yeshu Masih ki. Okay, just well na gela. Ani direct aapla vachana madhe jauya. Devacha vachan. Karan mi tumhala yetha yetana sarvanna thoda baghitla. Ani ek gosht nishchit zali ki tumhala मोठे मोठे उपदेशाचे डोस साठी काही गरज नाही. जे तुमच्या प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये काम करतात त्याच गोष्टी आम्ही तुम्हाला सांगणार आहे. आणि माझा विश्वास आहे प्रत्येकाला देव वेगवेगळ्या रीतीने तुमच्या त्यांच्याद्वारे तुमची भेट घेणार आहे. आमेन. 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 हालेलुया. ओके. कोणी बोलत असायला त्याला मला शांत बस. शेजारी कोणी बोलत असायला शांत बस. मागच्या लोकांनी त्यांना आता पुढे पाठवू नका. मग इतर लोकांनी तिकडंच ऍडजस्ट करा त्यांना. हा ओके. ओके. क्या तयार है? एक जोर से क्या तयार है? अरे वाह. और एक बार क्या तयार है? चलिए इब्रानी किताब इसका 13वां अध्याय और 6वें वचन में प्रभु का वचन लिखता है ना, मैं निडर होकर कहूंगा यहोवा मेरे साथ है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या करेगा. कमान. हालेलुया. हालेलुया. मराठी मध्ये का कोणा करत मी धैर्याने म्हणेल बरा माझ्या मार्ग मी धैर्याने म्हणेल यहोवा परमेश्वर माझा सहायक है. व्हेरी गुड. परत एकदा मी धैर्याने म्हणेल यहोवा परमेश्वर माझा सहायक है, मी भिणार नाही, मनुष्य माझ काय करणार. हालेलुया. कमान. हालेलुया. I will boldly declare the Lord is with me. And I will never fear what man can do unto me. Adhuringa, me dhairyane manel. Thoda haath aur karna. Me dhairyane manel. Yoha Parmeshwar. Maja sahayak ahe. Me bhinar nahi. Bala me bhinar nahi. मनुष्य माझं काय करणार, आजार माझं काय करणार, प्रॉब्लेम माझे काय करणार, काही करू शकत नाही कारण माझ्या मदतीला यहोवा परमेश्वर आहे. हालेलुया. जोरदार टाळा. जोरदार जोरदार. हालेलुया. कारण तुमच्या आणि माझ्या सहाय्याला साधा मनुष्य नाहीये. तुमच्या आणि माझ्या सहाय्याला कोणी पॉलिटिशियन लीडर नाहीये. तुमचा आणि माझा सहाय्यक जो आहे तो असा हलका फुलका नाहीये. आमेन. तुमचा आणि माझा सहाय्यक हा ज्याने आकाश आणि चंद्र निर्माण केलेला असा सेनाधीश परमेश्वर आहे. हालेलुया. तुम्हाला मला अभिमान वाटला पाहिजे कारण आमचा सहाय्यक प्रभू येशू मसीह पवित्र आत्मा कमजोर नाही आहे, तो बलवान आहे. क्या विश्वास करते हैं? अब यस और नो. तुम्हाला सांगू द्या थंड तव्यावर सपाट्या शेकल्या जात नाही. गरम तव्यावर सपाट्या शेकल्या जातात. जर तुम्ही आत्म्याने भरलेले गरम असाल तर ते तुमच्यावर जीवनाची भाकर शेकायला तयार आहे. हालेलुया. चलो गरम. हालेलुया.
आवाजा मध्ये पावर पाहिजे. हालेलुया. बोलो येशू मसीह के. आमेन. म्हणून मी धैर्याने म्हणेल की यहोवा परमेश्वर माझ्या मदतीला आहे, माझ्या सहायाला आहे. मी भिणार नाही. मनुष्य माझं काय करणार, समस्या माझं काय करणार, आजार माझा काय करणार. पण हे सगळं म्हटल्यावर ते सगळं येतं बरं का. पण त्याच्यामध्ये त्याचा अनुभव पण घेतो. हा जर दुनिया बोलो येशू मसीह. परंतु हे धैर्य कसं काय आलं माझ्याकडे. वाय दिस बोल्डनेस हॅज कम टू मी. हे धैर्य माझ्याकडे कसं आलं. पाचव्या वचनामध्ये म्हणतो हे धैर्य यासाठी आलं कारण तो मला म्हणाला आहे मी तुला कधी सोडणार नाही आणि कधी तुला मी त्यागणार नाही. हालेलुया. आनंद करूया आपण, सेलिब्रेट करूया. कारण येशू तुम्हाला कधी सोडणार नाही, कधी त्यागणार नाही. काय सगळे लोक सोडतील, नातेवाईक सोडतील, समाज सोडतील, परंतु येशू कधी तुम्हाला सोडणार नाही. आमेन. विश्वास आहे का. बारीक येस नाही पाहिजे, आनंदी व्हायला पाहिजे. तुमचा चेहरा आहे ना असा फुलला पाहिजे. नाही तर महाराष्ट्राच्या नकाशासारखा असा लिंबू पिळल्यासारखा करून बसू नये. आपले माझ्या आठवचे देव माझा साहेब म्हणला असाच चेहरा फुलला पाहिजे. आमेन. माझ्या सायाला देव आहे. आमेन. माझ्या माझ्या शक्ती प्रभू आहे. तो मला सोडणार नाही, तो मला कधी त्यागणार नाही. हा हे शब्द सेलिब्रेट केलं पाहिजे. नाही तो म्हणा हा बाबा मला सोडणार नाही, असं म्हणलं तर काम होईल नाही. कमान. हालेलुया. म्हणून धैर्याने बोलायचं, बोललं पाहिजे. मराठीमध्ये म्हटलं बोलणाऱ्याची माती विकते. बोललं पाहिजे. आम्ही बोला जोरात. बोललं पाहिजे जोराने. बोललं पाहिजे. देवासाठी टाळ्या वाजवला पाहिजे. मी धैर्याने म्हणे यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं डरूंगा. मनुष्य मेरा क्या करेगा, बीमारी मेरी क्या करेगी, तकलीफ मेरी क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो तुम्हारे साथ है. हालेलुया. आमीन. कम ऑन. आमीन. अरे म्हणून धैर्याने बोललो पाहिजे. देवाचं वचन सांगतं की ज्याला ज्याची तुम्हाला भीती वाटते त्याच्याशी बोललं पाहिजे. आजाराची भीती वाटते. एक आजाराला एखादी लहानशी तुम्हाला गाठ आली आणि मग आपल्या डोक्यामध्ये कल्पना करू बापरे ही गाठ आहे, ही गाठ कॅन्सरची आहे का, ह्याच आहे का, त्याची आहे का. आपण फार लांब पलीकडे जातो. परंतु या गाठीकडे बघितल्यानंतर आपण हे म्हटलं पाहिजे ज्याची आपल्याला भीती वाटते त्याच्याशी बोललं पाहिजे. मला ज्याचे मला भीती वाटते त्याच्याशी मी बोलणार आहे. आणि काय बोलणार आहे त्या भीतीला सांगणार आहे येशू माझ्या बरोबर आहे. हालेलुया. हालेलुया. तुम्हाला कधी सोडणार नाही, कधी त्यागणार नाही. क्या भरोसा करते हैं. तमाम. क्या भरोसा करते हैं. क्या भरोसा करते हैं. जैसे तुम्हारा भीती वाटती त्याच्याशी बोलला पाहिजे. आणि जर तुम्ही नाही बोलला, शांत राहिला, ते अधिक डिप्रेशन वाढतं, अधिक निराशा वाढते. म्हणून तुम्ही डेअरिंग बोलायचं. काय समजत तर नाही समजत, पण द्यायचं ठरून. आमेन. कसं होईल, केव्हा होईल, कधी होईल, काही लक्षात घ्यायचं नाही. एकच आपला रेकॉर्ड चालू ठेवता, प्रभू माझ्या बरोबर आहे, मला काही होणार नाहीये, मला आजार काही करू शकत नाहीये, मनुष्य मला काय करू शकत नाहीये, फायनान्स किंवा पैसे आणि कर्ज मला काही करू शकत नाही, कारण तो माझ्या बरोबर आहे. हालेलुया. म्हणून मी धैर्याने माझ्या भीतीशी बोलणार आहे. आणि टॉक टू माय फियर. In the name of Jesus.
आमेन। भीती सगळ्यांमध्ये इनबिल्ट आहे असं कोणी म्हणू शकत नाही। भीत नाही, काही लोक दाखवतात काही लोक दाखवत नाही। तुम्हाला भीती दाखवायची नाही। हालेलुया, कमान, हालेलुया, व्हेरी गुड, जोराने बोलत राहा, हालेलुया। परंतु आपल्या भीतीशी बोलायचंय, मृत्यूची भीती वाटते मृत्यूशी बोलायचं, कर्जाची भीती वाटते कर्जाशी बोलायचं, डोंगराची भीती वाटते डोंगराशी बोलायचंय। आमेन, कमान, आमेन। आणि कॉन्फिडन्सने बोलायचंय, प्रभू माझ्या बरोबर आहे, येशू माझ्या बरोबर आहे। बोला येशू मसीह के, आमेन। मुलीचं लग्न होत नाही, ऐकत नाही, धैर्याने मारायचं, परमेश्वर माझ्या बरोबर आहे। हालेलुया, कमान, हालेलुया। ओके, पहिला बॅट्समन फार इम्पॉर्टंट असतो, आणि पहिलं बॅट्समनने पूर्ण वातावरण तयार केलं। आता आम्ही त्या वातावरणावर मस्त आपलं काम चाललंय। हालेलुया, पास्टरले हुशार आहेत, कोणाला कधी काय द्यायचं सगळं नॉलेज आहे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मी माझ्या भीतीशी बोलणार आहे हे पवित्र आत्माने शिकवायला सुरुवात केलं। एकदा एक बाळक माझ्याकडे आला पासून, तो म्हणजे तुम्ही पेंटिकॉस्टल लोक ले भूताला आरडा मोरडा जाता खा करून मग भूत निघत, आणि त्याच्यामध्ये इंग्लिश मध्ये बोलल्याशिवाय भूत निघत नाही। किती त्याला इंग्लिश नॉलेज दाखवून द्या, पण कमाऊट आणि गेटाउट एवढं बोललं तर ते भूत पण म्हणतात कमाऊट पण मदत दिलं पाहिजे। इंग्लिश मध्ये बोलतात बाहेर निघत त्यांनी सायनाड बघितला असेल मला माहित नाही। हालेलुया, आणि मला म्हणाला पास्टर तुम बहुत दुष्ट आत्मे मला चिल्लाते और मैं साइलेंट में निकालता। बोला ठीक है, तो साइलेंट में निकाल नहीं करता। फिर को बोला देखो पास्टर मैं साइलेंट में कैसा निकालता। बोला निकाल बॉस। फिर को बोल क्या बोल निकाल। फिर ये आते ही भूत कर लिए भाई आकाश बाया ना जात भूत इकडे नाही बरोबर काम ते तिकडचं। हालेलुया, आता हा सायलेंट हे सायलेंट मे भूत निघाले गेले का। देखो वाला देखो मास्टर मैं सायलेंट मे कैसे निघाल। अरे निकाल ना बाबा, तिरुगु बोल तू बोल क्या मेरे को तू बहुत चिल्लाते है भूत के ऊपर। मैं सायलेंट मे निकाल मतलब वाइब्रेशन में निकाल मेरे को क्या करने का है। आमेन, आता ती बाई अंगा काय म्हणजे भूत लागली बाई। आता त्या पास्टर आता काय काय बाळकाला एवढं नॉलेज नाही, बाईला भूत लागल्यावरती ते जवळ जायचं, हा पातीच्या तोंडाच्या जवळ गेला भूत लागला। तिच्या माग तिचा जो नवरा होता दोन चपट्या मारून पाय होता। म्हटलं ते सारखं सारखं भूत माझ्याच बायकोला काय मला जेवढी माझी बायको आवडत नाही तेवढी या भूतांना आवडत। मी नको नको म्हणतोय कारण या भूतांना हिच्याच मागे ना। असं काय सौंदर्य या भूतांना हिच्यामध्ये दिसलं जे मला दिसलं नाही। मी प्यालो तरी दिसत नाही, नॉर्मल म्हणजे तर जाऊ द्या। आणि तो काय आणि हा पास्टर सायलेंट मध्ये भूत काढायचा। आता भूत काढता काढता त्यांनी सायलेंट मध्ये ज्या बाईला भूत लागले तिला दिसत नाही तेव्हा तुम्हाला ऍक्शन बघा बरं का। आता त्या लावलेला नवऱ्याला वाटलं हा माझ्या बायकोला इशारा करतो हे गाणं गरम म्हटलं ते भूत निघालं नाही तर चालेल असा हाणला त्या बाळकाला। ते भूत निघालं नाही चालेल पण तू निघतो म्हटलं। हालेलुया,
मी म्हटलं क्या हो गए साइलेंट में निकल ना साइलेंट में अभी इतना मार खाने के बाद कह क्या साइलेंट में निकलता हूँ आमेन देवाला देखील बोलावं लागलं अस्तित्वात आणण्यासाठी तुम्हाला मला बोलावं लागलं जोपर्यंत बोलणार नाही तोपर्यंत अस्तित्वात येणार नाही जेव्हा तुम्ही येशूच्या नावाने बोलाल त्यावेळेस अदृश्यामध्ये देखील अस्तित्वामध्ये यायला सुरुवात होणार आहे हालेलुया कमान प्रेज द लॉर्ड शेजारच्या मला बोललं पाहिजे जोराने बोल आपल्या भीतीशी बोल कमान हालेलुया आणि म्हणून देव म्हणतो मी धैर्याने बोलेल की यहोवा परमेश्वर माझ्या बरोबर आहे मला भीती वाटणार नाही मनुष्य माझं काय करतो किती समस्यामध्ये असं एक तुम्हाला एक प्रत्येक संदेशामधून एक एक पॉइंट लिहून घ्या ती तुमची प्रार्थना बनवा लिहून घेत असताना तुम्ही हे घ्या आणि ते फक्त घरी गेल्यावर तुमची प्रार्थना बनवा मी तसंच करतो मी प्रचार केल्यानंतर मी त्या प्रचाराला माझी प्रार्थना बनवतो आणि प्रार्थना ही बनवा की मी येशूच्या नावाला भिणार नाही हालेलुया मी माझ्या भीती संगती बोलणार आहे आमेन तमान येस ऑर नो जोराने येस ऑर नो हालेलुया आमेन आणि म्हणून देव म्हणत आहे आणि आपणही म्हटलं पाहिजे की परमेश्वर माझे किती लोकांचा विश्वास आहे प्रभू येशू माझ्या बरोबर आहे आमेन मग या विश्वासाचं लोणच घालायचं का वापरायचं मला वापरायचं कसं वापरायचं आम्ही शांत राहू कधी कधी तुम्ही चर्च मध्ये ऐका आम्ही सगळे शांत राहू सगळे शांत बसू एक दिवशी चौघांच्या खांद्यावर शांत राहू स्वर्गामध्ये देव विचारलं काय करून आला शांत राहून आलो सेपरेट देऊ तुमच्यासाठी ठेवून देव बडव बडवतील म्हणे शांत राहून आला तुला शांत साठी पाठवलं होतं का तुला या स्वर्ग पण शांत नाही तू पृथ्वीमध्ये शांत राहावा हालेलुया कमान हालेलुया प्रभू माझ्या बरोबर आहे जरा त्यांना हसन बोला देव तुमच्या बरोबर आहे ऑर्डिनरी देव नाहीये हा सर्व समर्थ देव आहे हा चमत्कारणारा देव आहे हा एलोहीम तुमच्या बरोबर आहे हा सुटका करणारा देव आहे आरोग्य देणारा देव आहे चमत्कार करणारा देव आहे हा देव साधा नाहीये हालेलुया हा पावरफुल देव आहे आणि हा पावरफुल देव तुमच्या बरोबर आहे हालेलुया बोला येशू मसीहे आमेन आणि म्हणून तुम्ही बोललं पाहिजे सैतानाशी तुम्ही बोललं पाहिजे काही लोक सैतानाशी अजिबात बोलत होते प्रार्थना 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 इतकी प्रार्थना करतात आणि पास्टरशी बोलतात पण सैतानाशी बोलत नाही आम्ही सैतान को फ्री सोड दिया है और पास्टर के पीछे लग रहे ये पास्टर मेरे को चांस देता नहीं ये प्रीचर को चांस देता नहीं ये मेरे को गाने को चांस देता नहीं मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ये हालेलुया ऐसा मत सोचिए शैतान जो आए हा सर्वात मोठा तुमचा आणि माझा शत्रू आहे आमेन म्हणून कोणाशी बोललं पाहिजे कमान कोणाशी बोललं पाहिजे ओके म्हणजे कोणाशी बोललं पाहिजे आजाराशी बोललं पाहिजे मन आजाराशी बोललं पाहिजे गरिबीशी बोललं पाहिजे कर्जाशी बोललं पाहिजे येशू ख्रिस्ताने आम्हाला शिकवलं डोंगरावर बोल काय सेन्स आहे डोंगरावर बोल पण मला सांगू द्या डोंगराला कान आहे कमान हालेलुया आणि मग मी हे तुम्हाला सांगतो तुमच्या आजाराला पण कान आहे तुमच्या समस्येला कान आहे तुमच्या अडचणीला कान आहे आणि ज्यास तुम्ही या विश्वासाने बोलता येशूच्या नावामध्ये माझ्या सगळ्या समस्या आजार निघून जात्यावर त्याला कान आहे ते येशूचं नाव ऐकल्याबरोबर बाहेर निघायला सुरुवात लागतात हालेलुया कमान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोललं पाहिजे तुमच्या वादळाशी बोला तुमच्या समस्याशी बोला तुमच्या आजाराशी बोला तो या बोललं पाहिजे
एकदा मास्टरने सांगितलं आपल्याला लाल समुद्राचं उदाहरण, तुम्हाला एक रेव्हलेशन दिले आहे. लोक लाल समुद्राकडे पाहून घाबरले. पाठीमाग फारोचं सैन्य, पुढं तांबडा तांबडा समुद्र आहे आणि मनी सँडविच म्हणून एक गॅंग देवाची निवडली. आणि इतके डेंजर लोक निवडलं कसं काय? हा मोठं मोशे पास्टर हँडल करत असं भयंकर कुरकुरे, भयंकर तक्रारी. आम्हाला हेच नाही तेच नाही, आम्हाला चिकनच नाही मिळालं. मिळालं तर नुसतं नरड मिळालं, नुसतं पंख मिळाले आणि चांगला माल त्याच्याकडे दिला. एकदा एका लग्नामध्ये, फक्त माझं थोडं कुटुंब काढावं, एकदा एका लग्नामध्ये आम्ही सगळे पास्टर लोक जेवायला बसलो. आणि सगळे पास्टर जेवायला बसल्यानंतर सिनियर पास्टर उभा राहा म्हणजे जेवायला बसले, त्याच्या बाजूला एकदम ज्युनियर पास्टर. ज्युनियर पास्टरच्या ताटामध्ये मस्त हड्डी आहे. सिनियर पास्टरने बघितलं, अरे मी सिनियर असं हड्डी आहे. आई आपण प्रार्थना करेंगे, सध्या आपले आंखों को बंद कर दो. सगळे ज्युनियर पाड्यात डोळे बंद केले, या बाजाराने डोळे उघडे ठेवले. प्रभू येशूच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू या जेवणाबद्दल. इकडची हट्टी आपल्या ताटामध्ये आम्ही म्हटल्याबरोबर हा ज्युनियर पास्टर म्हणाला, माझ्या ताटात ते हट्टी रॅप्चर झाली का काय माझा? देवानं हड्डीला दिलं, मला सोडलं. ते शेजारी बघतो तर त्या सिनियर पास्टर खात होतो, प्रेज द लॉर्ड. तेव्हापासून कोणी पास्टर म्हणा आपण प्रार्थना करो, करा करा, मी माझा हात असा ठेवतो, करा काय प्रार्थना करायची करा. आपला हड्डी इकडून तिकडून द्यायला नाही पाहिजे. हालेलुया. तुम्ही पण तसंच करत जा बघा. हालेलुया. बोलो येशू मसीह. आमेन. मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल सांगत आहे. मोशे देवाकडे प्रार्थना करा, प्रभू कसं होईल काय होईल. आणि त्या सेवासमोरच्या निर्गमाच्या पुस्तकामध्ये म्हणत, व्हाय यू आर टॉकिंग टू मी, माझ्या बरोबर का तू बोलत आहेस, जा आणि आपला हात समुद्रावर उघड. आम्ही काय करतो म्हणजे का 99.95% आम्ही आमच्या समस्या देवाशी बोल, देवा असं कर, वाईट नाही आहे बरं का, वाईट नाही. विश्वास असेल तर जोरदार टाळ्या वाजवा. त्यांना सांगा लागतो तुझा वाजवायचं कुठं नाही, ना तिथं वाजवू नका, वाजवा तिथं जरूर वाजवा, तेव्हा तर जरूर करा. कारण हे सगळ्या टाळे येशूला जातात, रिचर्ड जॉनला इकडचे कोणते टाळे जात नाही. आमेन. समान आमेन. मोशे जर समस्याशी बोलला, प्रभू येशू ख्रिस्त वादळाशी बोलला आणि मला सांगू द्या योशुआ त्या बिंदू संगती बोलला, मला सांगू द्या प्रभू येशू आपल्या
बोलायचं आहे. आमेन. आपल्या समस्यांशी बोलायचं आहे. हालेलुया. आमेन. असं इकडे एक हात करा, इकडे असा सगळ्यांनी एक हात करा, असं माझ्याकडे करू नका, इकडे करा असं. एकदा मी हे शिकत असताना एका बाईने आपल्या नवऱ्याकडे हात केला. पास्टर म्हणलं, आय सेड यू क्या सिस्टर, अरे पास्टर जी मेरे जिंदगी में का शैतान ये छे बोल. अरे ए शैतान, ए शैतान, जरा दम दे, आगे दम दे, जरा ए शैतान, ए शैतान, ये सुचना वाला, हाय तू माझं काहीच वाकडं करू शकत नाही, तुझे आजार मला मारू शकत नाही. माझ्या बरोबर येशू आहे. येशूच्या नावानं असं रोज तीन टाइम घ्या, सकाळ दुपार संध्याकाळ. आपण म्हणलं ना सकाळी माझी खूप अगं रात्रभर वाईट स्वप्न पडत नावानं मच्छरी जरा दमली दम तसा नवऱ्यावर धमकवता ना. तुम्हाला सांगतो माझी बायको असं एक दिवस नाही माझ्यावर मला डोस येत नाही. मी टीचर मध्ये मला तिच्या मागे मागे झाला इकडे हात द्या तिला. अरे मला लोक सलाम करायचे, ड्रायव्हर होतो मी सुपर मार्केटचा, इतके लोक मला सलाम करतात, घरी आली की कचरा तर केला ना. पण बायको ती बायको मला देवानं म्हटलं तिच्यावर खूप प्रेम कर. देवा अजून मला प्रभू म्हणाला ही नाजूक पात्र आहे. ते म्हटलं प्रभू हे 90 किलोचं पात्र नाजूक पात्र, मी या 65-70 हप्तकांची पात्र देत नाही. असं काय गेल करते मी प्रिचिंगला गेले की शॉपिंगला. कधी कधी ब्रिजिंगला जायला घाबरतो मी, कारण ती म्हणते तुम्ही आला ना मग तुम्हाला एक सफाई देते. बसला म्हटलं धक्क आयुष्य नोबा झाला. असं करता करता काय सांगाल तुम्हाला, वधस्तंभावर गेलेला माणूस आहे. इतके काय बिल केले या तुझ्या कोविड मध्ये, एवढं बिल भराव बाई शॉपिंगला जायचं नाही हरकत नाही म्हणे, ऑनलाईन घेते ना माल. इतकं की मला कधी कधी गेला 5-6 महिन्यांवर 80,000 रुपयाचं बिल भरावं लागलं दर महिन्याला EMI एवढं बिल. म्हणजे प्रभू तरी प्रभू म्हणते तिच्यावर प्रेम कर, ते नाजूक पात्र जिसकर तुझे दिल द्या उसक बिल भी दे. प्रभू तू दे ना बिल, बच्चे की जान लेगा मेरा बिल देता. कम ऑन हालेलुया हालेलुया. आणि देवाचं वचन सांगत बोललं पाहिजे. कधी कधी मी ते इतकं लुटलं मला माझ्या बायकोने, काय सांगाय तुम्हाला, त्याच्यावर एक हिंदी शेर तयार झाला वा वा म्हणायचं बरं काय. हम गैरों से क्या शिकायत करें. बाबा मला ना जरा मागचे. हम
गैरों से क्या शिकायत करें, हमको तो अपनों ने लूटा है। हालेलुया, आता स्वप्न। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के आमेन। अरे म्हणून मी धैर्याने बोललो पाहिजे, परमेश्वर माझ्या बरोबर आहे, माझ्या समस्याशी बोललो पाहिजे। तुम्ही खूप प्रार्थना केलेला आहे, परंतु आता धैर्याने बोला, पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने बोला। तुमच्या शब्दामध्ये ताकद आहे, तुमच्या शब्दामध्ये जीवन आहे, तुमच्या शब्दामध्ये समस्या तोडण्याची शक्ती आहे। कारण तुम्ही एक नाव घेत आहे जे सर्व नावापेक्षा उंच आहे, ते प्रभू येशू ख्रिस्ताचं नाव आहे। हालेलुया, त्या नावामध्ये प्रत्येक गुणगान फेकला जातो, प्रत्येक जीव कबूल करते की येशू हे प्रभू आहे। आमेन। आणि म्हणून आपल्या समस्याशी बोल, आपल्या आजाराशी बोलायला सुरुवात करा। जेव्हा पवित्र आत्म्याने मला शिकवलं, मी प्रार्थना करतो आणि तेव्हाच मी माझ्या समस्याशी बोलायला सुरुवात आणि कार्य व्हायला सुरुवात होते। कमा रेमे, हालेलुया, हालेलुया। परवा गेल्या आठवड्यामध्ये कटकच्या माझ्या मीटिंग गेल्या आठवड्यात, त्याच्या अगोदर एक परिवार माझ्याकडे आलं आणि म्हणाला, पास्टर माझी भावाची मुलगी जी आहे ती आयसीयू मध्ये ऍडमिट आहे आणि डॉक्टर सांगत आहे की ती वाचणार नाही, कारण त्याच्या तिची मोठी बहीण जी होती, म्हणजे जी आजारी पडली, तिची मोठी बहीण होती ती मेली आणि तेच सिम्पटम या मुलीला आहे, तेच गुण आम्हाला देते, तेच प्रॉब्लेम या मुलीमध्ये आहे, तीच समस्या या मुलीमध्ये आहे। आणि ते म्हणाले, प्रभू ते म्हणाले, पास्टर ती आमची मोठी मुलगी वाचली नाही, तसंच ही मुलगी मरणार आहे, तसंच इजा होत आहे, ते तसंच तिला ते सगळं तिचे डायग्नोसिस ते सांगत आहे। आणि पहिली गोष्ट आम्ही तिला त्याला म्हणालो, पहिली गोष्ट बंद कर, त्या असं म्हण की ही मुलगी मरणार नाही। मुलगी मरणार नाही, ही जिवंत राहणार आहे, हिच्यावर जीवनाचा अभिषेक येणार आहे। आणि पवित्र आत्म्याने मला अभिषेक दिलेला आहे, तो अभिषेक जिवंत करण्याचा अभिषेक आहे, जीवनाचा अभिषेक आहे, मृत्यूचा अभिषेक नाही आहे। प्रभू तुझ्या बरोबर आहे, आम्ही मृत्यूशी बोललं पाहिजे। तुम्ही मृत्यूशी जर कॉम्प्रोमाइज केला, म्हणणार आहे आपलं कसं माहितीये का, मारायच्या आधीच मेलो 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 म्हणणार का नुसतं झालेलो या तीन लोक म्हणणार मला जोराने हात वर करू। हालेलुया, तुमच्या प्रत्येकामध्ये मरणाला विरोध करण्याचा आणि अडवत आणण्याचं सामर्थ्य पवित्र आत्म्याने तुमच्यामध्ये दिलेलं आहे। हालेलुया, फक्त तुम्ही तुमच्या आदरासाठी नाही, दुसऱ्यांच्यासाठी पण उभा राहणार आहे, दुसऱ्यांच्यासाठी पण तुम्ही मरणाला तुम्ही थांबवणार आहे। इतकं सामर्थ्य देवानं तुमच्या शब्दामध्ये बोललं पाहिजे, धैर्याने बोललं पाहिजे, डोक्याला समजत नाही, डॉक्टरचे रिपोर्ट एक सांगते हरकत नाही, डॉक्टरचे रिपोर्ट जे काय असेल, पण देवाचा रिपोर्ट हा आहे की ही व्यक्ती मरणार नाही। हालेलुया, आणि असं म्हटल्याबरोबर काय होतं माहिती का, असं म्हटल्याबरोबर मी म्हणालो, आणि मला कटकच्या मीटिंगला जायचं होतं ओडिसाच्या गेल्या आठवड्यामध्ये, आणि एक घंट्या फोन आला, पास्टर डॉक्टरने तिला व्हेंटिलेटरवर घेतलेलं आहे। आणि व्हेंटिलेटरवर घेतलं म्हणजे आता हे काय सैतान मला चिडवायला लागला, जे भारी प्रार्थना केली ना उलट झाले म्हटलं, किंवा देवा सैतानाला तू लवाड कमा। हालेलुया, मला ए सैताना जोरा असं म्हटलं तर काय होणार नाही, ए सैताना तू लवाड लवाडाचा बाप आहे येशूच्या नावानं, हात
टाकला तरच आहे, कारण याचे सगळे दात प्रभू येशू ख्रिस्तानं वधस्तंभावर फाडून टाकलेले आहेत. हालेलुया. सैतानाला प्रभू येशू ख्रिस्ताने बोळका केलाय, बोळका. आणि बोळका मारून चावल्यावर कसं होतं, कुदकल्यावर चावला मला हे सैताना असं हलू करू नका, इतकं ट्रेनिंग घेऊन पाहते अग्रोड पाणी करू नका, आमचा कचरा करू नका. हालेलुया. आमेन. हे सैताना, हे सैताना, तू बोळकायस, तुझे सगळे दात येशूने वधस्तंभावर पाडून टाकलेले आहे. हात करा, हात करा, आता तुमच्याकडे यायचा. मला येशूच्या नावाने हे बोलक्या. आमेन. आमेन. बोला येशू मसीह. इथून गेल्याबरोबर तुम्ही बोलला बोलणारे होणार आहे. आजार दिसला की बोलायचं, ठोपण बोलायचं, कॉन्फिडन्स नी बोलायचं. आणि हे म्हणायचं की विरुद्ध बोला, कारण नेगेटिव्ह नेगेटिव्हनी लाईट लागत नाहीये. नेगेटिव्ह आणि देवाचं वचन पॉझिटिव्हनी मिरकल की बत्ती जलती आहे. हालेलुया. बोलो येशू मसीह. मला नेगेटिव्ह नेगेटिव्हनी काय होत नाही. नेगेटिव्ह मध्ये म्हणजे नकारात मध्ये होकार देवाचं वचन बोला. आमेन. आपल्या लोकांना ना सध्या तुम्ही कधी बघितलं असेल मास्टर, नाही का, हार्टच्या प्रॉब्लेमला लोक भेटायला लावतात, नाळ्या बिळ्या लावलेल्या असतात. पण काही जे भेटणार आहेत ना, ले डेंजर भेटत. कधी झालं सांगत आहे, पहिला अटॅक होता ना हळूच बदल. आमच्या शेजारी होता, त्याला 24 घंटे ते दुसरा आला नाही मिळाला. आता हा 24 घंटे एकदम टाईप झाला. आमेन. मरणाऱ्याला जाऊन बोलू नका मरणार आहे, त्याला म्हणाल येशू तुला जीवन करणार आहे. तमान हालेलुया. आपकी भाषा बदलो तो आपका रिझल्ट बदलेगा. आपकी प्रार्थना बदलो तो आपका रिझल्ट बदलेगा. 20 साल से वही प्रार्थना करते आ रहे हो, अगर आप वही प्रार्थना करते रहोगे तो आपका रिजल्ट बदलेगा नहीं. या ये मीटिंग आपके जीवन के रिजल्ट बदलने के लिए मीटिंग है. तमान हालेलुया. हालेलुया. और जब आप यहां से बाहर जाओगे, एक वेपन के एक शस्त्र के समान जाने वाले. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह. शैतान आपको देखकर उसका पसीना छुटा बनता, अरे बाप रे आला बाबा मीटिंग मध्ये, आता काही करतो आणि काय नाही. आणि आल्याबरोबर तुम्ही आपलं रोजच सारखं सुरू करत जा, बदललं पाहिजे. आमेन. शेजारा मला भाषा बदला, रिझल्ट बदले. जोराने आज सब बोलले तर काही तिथे बदलणार नाही. दहावी तीन बळत बसावं लागेल. काय म्हणणार आहे, प्रार्थना बदलो रिझल्ट बदले का. 20 साल से वही प्रार्थना. काही लोक अशी प्रार्थना करतात, पाश्चात प्रभू झोपताना, आम्ही रात्री झोपताना झोपणार आहे, प्रभू विंचू काट्या सापापासून माझं रक्षण कर. आता ही 20 वर्ष 45 वर्ष पूर्वीची प्रार्थना, परंतु आता मी फोर्थ फ्लोअर राहते, चौथ्या मजल्यावर राहते. आता हे साप विंचू लिफ्ट चौथ्या मजल्यावर जाणार आहे आणि म्हणाल की काय पण कुठं राहतात, मला कसायचे झाले. हालेलुया. बोलो प्रार्थना बदलो रिजल्ट बदल पाए. 20 साल 25 साल के पहले की प्रार्थना अगर आप करते रहोगे तो आपका रिजल्ट बदलेगा नहीं, आपको प्रार्थना बदलना पड़ेगा. हालेलुया. हमारा हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. निडर होकर कहना पड़ेगा, यहोवा मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या करेगा, समस्या मेरा क्या करेगी, शैतान मेरा क्या करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता. बिल्कुल डरो मत, अंदर डर भी है तो बताना मत. आमेन. हालेलुया. आणि जास्त तुम्ही हे बोलाल, तुमचे रिझल्ट बदलायला सुरुवात होते. मी तुम्हाला फक्त आजचा संदेश देत नाही, हा संदेश तुम्हाला लाईफ लॉंग मध्ये कामाला येणार आहे. असे संदेश मी देत असतो, प्रॅक्टिकल संदेश देत असतो. तुम्ही घरी गेल्यानंतर तुम्हाला प्रॅक्टिकल मिळेल. तुम्हाला आजार दिसला, त्याला बोला मला काय होणार नाहीये,
माझ्या डोक्यावरती केस प्रभूने मोजलेले आहे. दोन चार वचन भारी भारी असं मारा, सैतानाला वचनाने मारा. हालेलुया हालेलुया. आणि तो येणं पोत्रासारखा स्वतःला मारून घ्यायला सुरुवात होईल. हालेलुया आमेन. द बेस्ट वे टू अटॅक सॅटन इज बाय द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या वचनाने अटॅक करायचा. आमेन. आणि कोणी आणि कोणी येत तुम्हाला तुमचं कधी बरोबर होणार नाही, तुमचं अशीच परिस्थिती राहील, हे सैतानाने भाड्यावर पाठवलेले लोक आहेत पगारावर. त्याला म्हणे टाइम बसतो का रे? कोणाचा माणूस आहे? येशूचा आहे का सैतानाचा? बिलकुल. कोणी जर तुम्हाला बोलायला लागलं तुमच्या जीवनामध्ये, लेकरांच्या जीवनामध्ये जर कोणी पेरायला लागलं, निगेटिव्ह पेरायला लागलं, नाही होणार, त्याला मला शांत बस, होणार, देणे मला होणार, देव बदलणार परिस्थिती, देव कार्य करणार, परमेश्वर अद्भुत करणार आहे, त्याचं नाव प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. हालेलुया. इसलिए नीडर ऑफ द कहना है आपको, डर डर के जीना नहीं. ठीक है, एक अमिताभ बच्चन डायलॉग होता, ये भी क्या जीना है डल्लू, डर डर के जीना. आणि आमचं अख्खं जीवन भीतीमध्ये गेलं. आता नवर काय करतो, आता बायको गेल्यावर घरी काय करते, आता हे पोरग पिऊन आले हे काय करते, आणि शेजार हे काय करतात, अरे मग जगाल कधी? आता लाईफ जर भीतीमध्ये घालत तर जगाल कधी? जे होईल ते होईल. आमेन. पण चांगलंच होईल माझं. हालेलुया हालेलुया. हे बोललं पाहिजे. फक्त प्रार्थना करून घेऊ नका. आपल्या लोकांना फक्त प्रार्थना करून घ्यायचं. प्रार्थना करा प्रार्थना करा. प्रार्थना चांगली गोष्ट, वाईट नाहीये. परंतु तुम्ही बोलणार तरी त्याच्या बरोबर. आता जाऊन काय बोलायचं? आतापासून प्रॅक्टिस सुरू करायची. हे सैताना, हे आजारा, हे कॅन्सर, हे किडनी फेल्युअर, जे काय आहे जरा तुम्ही भीता त्याचं नाव घ्या. आणि मध्ये सासूचं नाव घेऊ नका. सासूले भीती दाखवते मला. येशूच्या नावावर आहे असं काय करू नका. अजून भांडणं वाढते. हालेलुया. ते मधील कुठून शिकून आले? तिथे गेले. आमचंही नाव बदनाम, तुमचंही नाव बदनाम. हालेलुया. मैं लीडर होकर कहूंगा यहोवा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा. चाहे कितने भी मौत के तराई से होकर गुजरो फिर भी मैं ना डरूं. मृत्यु छाए जब तभी तुम भी दाता सरा अरे सांस भी ना रहे. आमेन. हालेलुया. पहली गोली खाए में से कहा भी ना रहे ती गोली खाई थी. डेरेने बोलायचं मी भिनार नाही. आज जरी धडकड धडकड होत तरी बाहेर मारायचं मी भिनार नाही. कमाल येस ऑर नो? तुम्ही म्हणाल आम पाडत पाडली. आमेन. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे मी रेल्वेमध्ये ड्रायव्हर होतो. आता रिटायर झालं सुपरफास्ट ट्रेन. त्यावेळेस मी असिस्टंट होतो. आणि असिस्टंट असताना माझी गाडी सकाळी 6 वाजता अहमदनगरहून निघाली. आणि आम्ही पुंतामळ विळद घाट आहे. आणि विळदच्या घाटामध्ये एकदम डाऊनग्रेड आहे, उतार आहे. आणि त्यावेळेस मी असिस्टंट ड्रायव्हर होतो. आणि माझा ड्रायव्हर आम्ही 6 वाजता आमची सकाळीच गाडी निघाली. आणि गाडी निघाल्याबरोबर थोडं गाडी उतारामध्ये पडली. आणि गाडी उतारावर पडल्याबरोबर माझ्या ड्रायव्हरने ब्रेक लावायला सुरू केला, पण गाडीला ब्रेक लागला. मी इमर्जन्सी ब्रेक मारले, गाडीला ब्रेक लागला. अजून गाडी स्पीड पकडायला लागली.
हॉर्न मारायला सुरुवात करी, इमर्जन्सी ब्रेक मारले, डायनॅमिक ब्रेक मारले, लोक इंजिन बघितलं ना रेल्वेचं, किती लोकांनी बघितलं इंजिन, असलं मोठं इंजिन 110 टनाचं आणि त्याच्यामध्ये 4000 डिझेल भरलेलं टँक होते, 5000 कॅपॅसिटी 4000 भरलेलं होतं आणि ही गाडी काय थांबणार, इमर्जन्सी मारली सगळं मारलं गाडी काय थांबणार, पाठीमाग आमच्या डबे इंजिनच्या पाठीमाग 7-8 खडीच्या गाड्या होत्या आणि ती खडी दाबत होती, समोर डेंजर सिग्नल आला तिथं थांबलं पाहिजे पण गाडी काय थांबणार, अजून ते डेंजर सिग्नल तोडलं आम्ही आणि गाडी पुढे गेली, त्यानंतर एक दुसरं सिग्नल येतं हो तिथं थांबलंच पाहिजे पण ती गाडी काय थांबायला तयार नाही, ती गाडी तशी ते डेंजर सिग्नल तोडून ती गाडी पुढे निघाली आणि जेव्हा आम्ही शिट्या वाजवतो आता म्हटलं खरा झालं आणि इतकं मी जेव्हा बघितलं त्यावेळेस त्याला रेल्वेच्या भाषेमध्ये डेड एंड म्हणतात की डेड एंड म्हणजे आमची गाडी ती घेतली आणि डेड एंड म्हणजे काही काळानंतर ऋणच नाही आणि तिथे एक मोठी खाई होती 140 मीटरची खाई होती आणि गाडी थांबणार, मी देवाला प्रार्थना करत आहे अन्य भाषेमध्ये बोलत आहे पण गाडी काय थांबणार, मी म्हटलं आता संपलं, लेकर डोळ्याच्या समोर वर आले, बायको डोळ्याच्या समोर वर आली, म्हटलं आता काय आता खाल इथून जर उडी मारली तर हातपाय तुटला तर रेल्वे मला काही देणार नाही, मेलो तर याच्यामध्ये काहीतरी रेल्वे माझ्या बायकोला थांबते, परंतु गाडी थांबणार अन्य भाषेमध्ये प्रार्थना केली आणि त्याचे वचन मला आठवलं, परमेश्वर यहोवा तुझ्या बरोबर आहे, हालेलुया नाही, मी ते वचन क्लेम करत आहे, प्रभू माझ्या बरोबर आहे, मी भिणार नाही परंतु भीती वाटत आहे, समोर मृत्यू आहे परंतु मी म्हणालो माझं डोकं मला काय सांगत त्याच्याही पेक्षा देवाचं वचन काय सांगत हे फार महत्वाचं आहे, हालेलुया, जे माझे विचार करू शकत नाही ते देवाचं वचन करणं शक्य आहे, पण तरी गाडी थांबली नाही 140 मीटर असं इंजन डोक्यावर त्या खाली खड्ड्यामध्ये पडलं, दार दिशेने आवाज आला इतकं 40-45 मिनिट दूर 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 सगळे गावातले लोक आले आणि म्हणाले खरास म्हणजे मेले असतील हे असतील आणि 40-45 मिनिटानं माझ्या कानावर एक येत आहे आवाज, अरे कटर लेके आव, गॅस कटर लेके आव, हे मरगरे घेऊन निकाल लेंगे हम, गॅस कटर घेऊन आले आणि मी देवाला म्हणालो देवा मला काही समजाना, मी शेवटच्या वेळेस एकच म्हटलं यहोवा मेरे साथ है मैं ना डरूंगा, मला माहित आहे की देव मृत्यू छायेच्या धरीतून जात असताना तो सोडवणारा देव आहे, पण इकडे उलट झाली, ही गाडी पडली 100 हेड ऑन पडली, डोक्यावर पडली इंजन 110 टनाचं इंजन आणि धूळ बिल गेल्यानंतर मला आकाश दिसला, हालेलुया, टू मेक द स्टोरी लॉंग स्टोरी शॉर्ट ओके, आणि त्यामध्ये मी पहिला व्यक्ती होतो असं खरचटलं पण नाही असं जिवंत वाहणार, हालेलुया, हे देवाचं वचन जिवंत आहे, हे दंत कथा नाहीये, हे सत्य कथा आहे, हालेलुया, आमचं बायबल हे सत्य कथा आहे, हे मला सांगू द्या मावे माझा जो प्रचार आहे प्रॅक्टिकल प्रचार आहे, आज तेच अभिषेक तुमच्यावर येणार आहे, जे भविष्यवाणी करत आहे, हालेलुया, तुमचे लेकर तुम्ही मृत्यू छायेतून जात असताना तो त्याचं सामर्थ्य प्रकट करणारा देव आहे, किती लोक आमेन म्हणते, आमेन,
आमेन म्हटल्यावर हा आशीर्वाद तुमचा झाला. हालेलुया. टाळ्या वाजवल्यावर हा आशीर्वाद तुमचा झाला, कारण तुम्ही त्याचा स्वीकार केलेला आहे. जितक्याने स्वीकार केला त्या टाळ्या वाजवून देवाला धन्यवाद देऊन आमेन म्हणूया. अरे म्हणूया, प्रभू जर तू एकासाठी करू शकतो तर सर्वांसाठी करणार आहे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मी तुम्हाला त्या ब्रदरची गोष्ट सांगत होतो, हिवाळे ब्रदर, त्याच्या भावाच्या मुलीची गोष्ट सांगत होतो. आम्ही त्याला म्हटलं मृत्यू येणार नाही, आणि मग त्यांनी मला सांगितलं मास्टर त्या आता आयसीयू मध्ये व्हेंटिलेटर ठेवलं, आता आम्ही चालतो, डॉक्टरने आम्हाला बोलवलं, याचा अर्थ लेखरूम येणं म्हणून. परंतु मी सुरत मध्ये होतो, दुसऱ्या दिवशी मला सुरतला जायचं होतं, आणि सुरत मध्ये गेल्यानंतर 2 दिवसानं त्याने मला व्हॉट्सअपवर त्या मुलीचा फोटो पाठवला. म्हटलं पास्टर त्या मुलीने डोळे उघडले. हालेलुया. त्याने दुसऱ्या दिवशी मला फोन केला, म्हटलं पास्टर ती मुलगी आयसीयू मधून जनरल वॉर्ड मध्ये आलेली आहे. हालेलुया. जशी तिची बहीण मेली तशी ती मेली नाही, कारण तुम्ही तिच्यावर जीवन बोललेला आहात. तुम्ही काय बोला? जीवन बोला, आरोग्य बोला, सुटका बोला, डिलिव्हरन्स बोला, प्रॉस्पेरिटी बोला, हिलिंग बोला. आमेन. कमान येसर. आणि कसं मिळमिळत बोलणार आहे का? त्याला दमकून बोलायचं, हे सैताना, हे आताना, येशूच्या नावानं. आता फक्त ऍक्शन करायची, काय बोलायचं? हालेलुया. मला सांगू द्या, ही बायबल हे जीवन कथा आहे. आमेन. सत्य कथा आहे. मला अभिमाना चेहऱ्यावर हास्य येतं बरं का, कारण मी अनुभव घेतलं. किती लोकांना येशूचा अनुभव घेतला आहे, आरोग्याचा अनुभव घेतलाय, चमत्काराचा अनुभव घेतलाय. एवढं घेऊन तरी असं लिप पिळल्यासारखं बसल्यावर कसं व्हायचं? आनंद व्हायला पाहिजे. हालेलुया. यांना प्रभूने चमत्कार दिला 70 mm होऊन असा असा. आमेन. मला सांगू द्या, हे फार प्रॅक्टिकल काम करतंय. आम्ही 30 वर्षापेक्षा जास्त सेवा करत आहे, आणि म्हणून या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला सांगितले प्रॅक्टिकल काय काय काम करत. देवाचं वचन हे सत्य वचन आहे. आमेन. एकदा मी ड्रायव्हिंग करत असताना मी ब्रेक मारले गाडीचे, मी पॅसेंजर ड्रायव्हर झालो, आणि गाडीचे ब्रेक मारले, आणि ब्रेक मारून मी ब्रेक कसे लागतात ते आमचं ड्रायव्हरचं जॉब आहे तो बघायचा. आणि बघत असताना ब्रेक ते व्हील म्हणजे चाक आणि ब्रेक ब्लॉक जे आहे ह्याच्या घर्षणातून 2 सुई सारखे जे बल आहेत, 2 सुई सारखे बल आपले जे आयन बल्स ते येऊ डायरेक्ट माझ्या डोळ्यात घुसले. काय झालं, कचरा गेला असाल म्हणून मी खूप बसलो. परंतु दुसऱ्या स्टेशनला मला काय सहन व्हायचं, मला काय सोनवणार. पुढे अजून गेलो, मला काय सोनवणार. मनमाडला मी माझी गाडी लावली, आणि गाडी लावल्यावर रात्रभर माशासारखा तरफा लागलो. सैतान माशासारखी बोलायला लागला, आणि मग आता खराब झाला तो तुझ्या डोळा गेला. आणि मग मी प्रभूचं प्रार्थना, देवा मला वाचव, प्रभू तू माझ्या बरोबर आहे. परंतु काय व्हायला, परंतु एक जुना अनुभव माझ्यावर होता. मी त्या जुन्या अनुभवाचं भांडवल केलं आणि नवीन समस्याला तोंड द्यायला सुरुवात केलेली आहे. तुमच्या जुन्या अनुभवाचा वापर करा. हालेलुया. कमान. हालेलुया. किती लोकांचे प्रार्थनेचे उत्तर प्रभूने दिलेले आहे. बघा स्वर्गांच्या आतून. आमेन. मग त्याचा वापर करा. जो देव तुम्हाला काल मदत करतो तो तुम्हाला आजही मदत करत, जो देव तुम्हाला आज मदत करतो तो उद्याही मदत करत, कारण तो काल आज आणि युगानुयुग एक समान परमेश्वर आहे. आमेन म्हणाल का? हालेलुया. येशूवर चालल्यावर अनुभवावर अनुभव आहे. माझे डोळे दुसऱ्या दिवशी मी रेल्वे हॉस्पिटल मध्ये गेलो, त्यांनी काय ड्रॉप दिले पण काय होणार. मी 24 घंट्याच्या वर झालं, मी दौंडला आलो, दौंडला आल्यावर मी हॉस्पिटल मध्ये गेलो, आणि हॉस्पिटल मध्ये गेला त्यांनी बघितलं, म्हणलं सर तुमच्या डोळ्यामध्ये 2 बर गेलेत लोखंडी, आणि एक गाडली
ए वन मेडिकल फील्ड पायलट आणि तुझं ड्रायव्हरचं लाईन आहे ही फक्त तुझ्या डोळ्यावर आता डोळा गेला. जेव्हा तुम्ही अडचणी समस्या मध्ये असताना सैतान तुम्हाला लढत राहते पण जोपर्यंत तुम्ही त्याला धमकावणार नाही तोपर्यंत तो जाणार नाही. म्हणून त्याला धमकवा येशूच्या नावामध्ये. आमेन. हालेलुया. मग मी विचार करायला लागलो म्हटलं आंधळं झालं तर बायको मला लढत राहते म्हणून वॉशरूमला जायचं हे इकडे जायचं. हालेलुया. म्हणून बायकोला जवानीमध्ये चांगलं सांभाळा तर तुमचं म्हातारपण व्यवस्थित आहे. जवानीमध्ये डांडून केलं ना बायको सांगते मग ते सगळा बदला म्हातारपणात काढ तेव्हा लई नाही माझ्या नावानंच आहे. आता काय आता घोट्या घोट्याला मी लागते घोट्याला तर म्हाताऱ्या तिकडे लागू लागते. हालेलुया. तुम्हाला हालेलुया. दहा मिनिटांमध्ये संपूया. डोळा आणि एक डोळ्यामधला लोखंडीवर असला तर हा डोळा गेला की हाही जातो. सैतान मला त्रास द्यायला कसा होईल आता गेला तुझे डोळे नोकरी केली हे केली ते गेले पण हे वचन परत मी बोलायला सुरुवात केली यहोवा मेरे साथ है. हालेलुया. तो मला कधी सोडणार नाही आणि त्यागणार नाही. समजत नाही कसं होईल निघणार का नाही पण एकच गोष्ट आपला रेकॉर्ड एकावर अडकलं प्रभू मी म्हणालो देव कार्य करल देव कार्य करल. परत तिसऱ्या दिवशी सकाळी चौथ्या दिवशी सकाळी डॉक्टर गेलो सर मी प्रार्थना करून आलो प्लीज काढा त्याने बघितलं नाही झालं परत पाठवलं परत सैतान हाता लागला माझ्या परत संध्याकाळी चिकाटी सोडायची नाही. आमेन. चिकाटी लय महत्वाची चिकाटी सोडायची नाही. परत प्रार्थना केली परत संध्याकाळी 4 वाजता गेलो सर मी परत प्रार्थना करून आलो परत ट्राय करा. अरे क्या यार बार बार अरे सर प्लीज मी प्रयत्न करा. आणि त्याने काढायला सुरुवात केली आणि ते एका सेकंड मध्ये ते बाहेर निघाला. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. माझा डोळा देवाने साबूत ठेवला दोन्ही डोळे साबूत ठेवले. मी ए वन मेडिकल 6 महिन्याच्या आत पास झालो आणि परत मी 15 वर्ष जॉब केले. हालेलुया. आपला देव हा बोलाचा भात आणि बोलाची कडे नाहीये. आपला देव जो आहे हा सामर्थ्यशाली देव आहे. आमेन. 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 मात घेऊनी बाजारी मात घेऊनी बाजारी मात घेई वाजूनी बाजारी काल घेई देव डोळे मिटवली. बाजारात मात घेताना वाजून घेता देवाला पण वाजून घ्या तो खरा आहे. हालेलुया. आणि त्याचं नाव प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. अनुभव घ्या अनुभव घ्या किती चांगला परमेश्वर आहे. आमेन. माझ्या रेल्वे मध्ये 12 एक्सिडेंट झाले 12 मोठे मोठे आजार येऊन गेले. तबीब टायगर जिंदा आहे. कमाल. हालेलुया. क्योंकि जो मेरे पीछे है ना वो दुनिया में उससे सबसे बड़ा है. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. बोलो यीशु मसीह की. हालेलुया. हे संदेश एसी रूम मध्ये तयार झाले नाहीये सर. हे संदेश कॉफी पिता पिता तयार झाले नाही. हे माझे सगळे संदेश आहेत हे अग्नीच्या भट्टीत तयार झालेले आहेत. म्हणून ते पावर नाही येतात. आमेन. हालेलुया. क्या विश्वास करते हो कि वो तुम्हारे साथ है. वो कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं. आमेन. आमेन. और तुम्हाला कोणाशी बोलायचंय आजाराशी बोला समस्याशी बोला पैशाशी बोला. हालेलुया. बोला बोलत राहा. शांत बसायचं नाही. मना शरीराला शांत बसायचं नाही. एकदा माझं मेल एक्सप्रेस काय हे प्रमोशन जवळ आता आणि मेल एक्सप्रेस प्रमोशन जवळ आलं माझं आणि मी गुड स्ट्रेंथ चालत होतो आणि चालता चालता काय झालं पहिल्या स्टेशनला ते काय थांबलं नाही डेंजर सिग्नलला
ती गाडी पाठीमागून प्रेस आली आणि मी डेंजर सिग्नल पास होऊन जे कट पॉइंट असतं तिथं माझे इंजिनचे पहिले दोन्ही चाक जमिनीवर आले. जसे जमिनीवर आले तसं सैतान त्रास झाला होता. आता खरंच म्हणा तुझं प्रमोशन गेलं तुला चार्जशीट घेते आणि खरं आपलं कसं आजारी पडलं तर लोक मरणची तयारी करतात तसं विचार आहे. आणि म्हणून मराठीमध्ये मन आहे जे शत्रू चितत नाही ते मन चितत नाही. संपलं आता अरे म्हटलं नाही संपलं माझा देव मला सहाय्य करेल. कसं सहाय्य करणार मी दोन्ही चाक तू काय उचलू शकतो नाही उचलू शकत क्रेनने आणावं लागल आणि तुझ्यावर डीएनए इन्क्वायरी वगैरे सगळं होईल उचलू शकत नाही घाबरायला लागला. म्हणजे हरकत नाही देव सहाय्याला माझा असिस्टंट म्हणलं सर आपण इतना फूल कैसे गया परमेश्वर संभाळ काय समजलं ना त्याचं ठोकून देव बाप समजलं. लोक तुला अरे तू काय का करत नाही बाबाकडं जायची गरज नाही माझं देव सामर्थ्यशाली आले रोया कमान आले रोया आले रोया आमे. मग ते एक जण आला म्हणाला सास इसके नीचे हम लोग लकड़ी डालेगा पत्थर डालेगा आप रिवर्स में लेना हो सकता है कि ये ऑन ट्रैक वापस आ जाए. ये भी ते चाक बरे दे ट्राय केला खडा परत पडले ते परत सैतान आता राहिला नाही काय झाले प्रार्थना केली सगळं ट्राय केलं. सैतान हा चेष्टा करणार आहे तुमच्या विश्वासाची चेष्टा करणार आहे पण त्याचं थोबाडं बंद करण्याचं सामर्थ्य देवाने तुम्हाला दिले. यस ऑर नो काय म्हणणार त्याला येशूच्या नावाने हवा नाही शांत आमेन. दुसऱ्यांदा मला सांगा आता कसं होईल आता प्रमोशन अरे म्हटलं काय होतंय जो होगा देखा जाएगा. आमेन. परिणाम कॅल्क्युलेशन करत बसू नका जो होगा देखा जाएगा होगा अच्छा ही होगा. दुसऱ्यांदा ट्राय केलं सोळामध्ये गाडी रिवर्स घेतली 40 भोक्या माग होत्या 40 पेट्रोल टँक भरलेले होत्या ते सगळं जोरात इंजिन उघडलं आणि खा 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 खावला आणि ते दोन्ही चाक लाईन वर परत आले. हालेलुया. फिरमय मुस्कुराने लगा और शैतान रोने लगा. जब आप हंसते हैं तो शैतान रोता है और जब आप रोते हैं तो शैतान आप बुलाने का उसको क्या आप उसको हंसाने वाले अच्छा हड़ू बोलने वाले कॉन्फिडेंस है लॉक किया जाए. ये सुन रहा जोराने वाला हम उसको रुलाने वाले हैं. हालेलुया हालेलुया विश्वास का अंगीकार करके हम उसको रुलाने वाले हैं. आमेन. बोलत राहा बिंदास बोलत राहा आणि मला सांगू द्या म्हणून तो म्हणतो मी निडर होऊन बोलणार आहे बोललं पाहिजे. यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है मैं ना डरूंगा. बीमारी मेरा क्या करेगी परेशानी मेरा क्या करेगी. हालेलुया कमान हालेलुया बोल यीशु मसीह की. आप लोग खुश हैं आप बोलने वाले आज के बाद अभी जितनी प्रार्थना दे रहे अभी अगले सीजन में उतना शैतान से बातें कर रहे हैं. बोला यीशु के नाम से तो कुछ नहीं कर सकता. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. दिवस आत्मा मला सांगत आहे तर मधी एक सिस्टर आहे ज्याला छातीमध्ये जळजळ होती. तुम्ही का मधी बसलेला देवा तुम्हाला बरं करू इच्छिते तुम्ही आज आपला हात वर करा. तुमचा विश्वास आहे सिस्टर तुम्हाला बरं करा. रिसीव द पॉवर ऑफ गॉड लॉर्ड टच and heal in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. एक मिनिट देवाचा हात तुम्हाला सांगतो हे माझ्या समोरची लाईन आहे ना इथं एक सिस्टर आहे तिच्या पोटामध्ये त्रास होत आहे. तुमच्या पोटामध्ये त्रास होत आहे तुम्ही सारखं पोटाचा त्रास आहे तुम्हाला तुम्ही असेल तर हात वर करा सिस्टर तुम्ही या बाजूने. अजून एक सिस्टर आहे त्याला पोटाचा त्रास नाही. चला प्रेयर करायचं. प्रभू येशूच्या नावामध्ये आम्ही प्रार्थना करतो देवा सर्व पोटाचे विकार येशूच्या नावानं निघून जाईल.
Lord, in the name of Jesus Christ. Lord, touch her and heal her in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मला माहित आहे पण देवाचा आत्मा मला इथं पुरुषापैकी सांगतं एक ब्रदर आहे ज्याला युरिनचा त्रास होतो सुरसुर होती आणि युरिनमध्ये त्याला असं वाटतं की मला किडनीची भीती वाटत आहे किडनी फेल होईल का काय असा एक ब्रदर आहे या ठिकाणी आणि ज्याला युरिनचा त्रास होत आहे परमेश्वर तुम्हाला बरं करेल तुम्ही असं तर आपला हात वर करा मला खरे विश्वास करते हो यीशु मसीह आपको चंगा करेगा ओके लेट्स ऑल प्रे फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एवरी किडनी प्रॉब्लम Every kidney stone, every urine problem, I curse and crush it out in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus Christ. Lord, touch and heal in Jesus' name. Devas Atma Malita Santo, this testimony of brother and brother, the child Azubazola, he, Tumala, Mutta Kursas of Trasa, to meet a part motor, if you are the loan, get like to me, and it will put up Peter. होत नाहीये तुम्ही इथं आहात तुम्हाला तो त्रास होत आहे आणि समस्या येत आहे जर तुम्ही असाल तर आपला हात वर करा बरोबर सांगितलं चष्म्यावर पवित्र आत्मा कसं तुमचा प्रचार करते हा हालेलुया खडे हो जा जितने भी लोन वाले प्रॉब्लेम आहे खडे हो जा प्रभू एकाला जर देत असेल सर्वांना दे आमेन प्रभू ज्या लोकांच्या जीवनामध्ये कर्ज आहे कर्जाने त्यांचं जीवन डिस्टर्ब झालेलं आहे त्या सर्व कर्जाच्या आत्म्याला मी प्रभू येशूच्या नावाला धमकावता याच वेळेस त्यांच्या जीवनातून निघून जा येशूच्या नावामध्ये सुपर नॅचरल प्रोव्हिजन सुपर नॅचरल प्रोव्हिजन येशूच्या नावाला अवलौकिक पैसा येऊ नये अवलौकिक कर्ज फिटून जाऊ दे प्रभू देवा जितके आज उभे आहेत प्रभू देवा निम्मेच्या वर उभे आहेत प्रभू येशूच्या नावाला सत्य देव आहे आणि आजपासून त्यांच्या जीवनामध्ये चमत्कार होत आहे येशूच्या नावाने एक जोरदार टाळा वाजून आमेन मी मत करू इच्छित पण देवाचा आत्मा एक सांगते शेवटी शेवटी जात असतात त्या पांढरे केस वाले ब्रदर आहेत ना त्या लाईन मध्ये एक कोणीतरी व्यक्ती आहे ज्याच्या पायामध्ये खोब्यामध्ये किंवा या पायामध्ये त्रास आहे तुमच्या खुब्यामध्ये किंवा पायामध्ये त्रास आहे एका तुम्ही त्या लाईनला पण आहे हा तिथं पण आहे अजून एक ओके राईट राईट हात वर करूया विश्वास ठेवतात ओके प्रभू येशू क्षणाला मी प्रार्थना करतो देवा त्यांच्या सगळ्या खुब्याचा पायाचा त्रास सगळ्या नसा येशूच्या नावामध्ये मोकळे होऊ दे प्रभू देवा बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड टच द हील द यूजर फॉर योर ग्लोरी Release the power of God in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Come on, hallelujah. कितने लोग आता नीडर हम बोलना रहा है क्या आप डरेंगे क्या आप बीमारी से डरोगे आप तूफान से डरोगे आप तकलीफ से डरोगे क्या आप प्रॉब्लम से डरोगे तो क्या कहोगे हम नीडर होकर कहेंगे यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है मैं न डरूंगा बीमारी मेरा क्या करेगी मनुष्य मेरा क्या करेगा हालेलुया सबको थैंक यू पास्टर जी को थैंक यू और सारे वक्ता गण को धन्यवाद देते हैं कि आपने बैठकर इस संदेश को सुना थैंक यू और मे गॉड ब्लेस यू आशीर्वादित झाले झाले का नाही प्रेज द लॉर्ड काही सूचना आहे की याच्यानंतर आपल्या सर्वेसाठी भोजन तयार आहे पण ते सर्व लोक आपल्या ऐकून घ्या जे भुंगाचा जे स्टॉल आहे जो स्टॉल लगा हुआ है वहां पे 10 काउंटर्स है अलग अलग और एक ही जगह पर आप भीड़ ना लगाए
और 10 काउंटर है, मतलब अब आराम से 50 के झुंड में एक काउंटर पर खाना लेके आप खा सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि एक काउंटर पर ज़्यादा भीड़ है तो आप दूसरे काउंटर पर चले जाना और आराम से लीजिएगा और बिल्कुल साफ सुथरा रखें सभी बातों को। और दूसरी सूचना ये है कि गेस्ट हमारे जो स्पीकर से आप लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त अलग से किया जाएगा और वहीं पे है। और आज जो हमारी पास्कस मीटिंग सवेरे में और इसी मीटिंग के साथ में जो हम लोगों ने योजना बनाई थी चलाने की, वो आज नहीं हो पाया क्योंकि जिस हॉल में हमने प्लान किए थे वो पूरा हॉल आपके लगेज से पूरा भर गया। तो अभी हम लोग सोचेंगे अभी कहाँ खरीदे करते हैं। तो हमने हमारे लिए एक जहाँ पे लेक व्यू जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं वहाँ पे सिर्फ पास्टर्स लोगों के लिए दोपहर के बाद 3 बजे से मीटिंग रहेगी। तो जितने भी पास्टर्स हैं परिवार के साथ में लेक व्यू होटल जो है वहाँ पर 3 बजे से 3 बजे बराबर एग्जैक्टली 3 बजे ही वापिस शुरू होगा। तो वहाँ पर 3 बजे से सेशन चालू होंगे सिर्फ पासवान लोगों के लिए। तो कृपया करके जो पासवान लोग हैं वो लोग 3 बजे लेक व्यू होटल पे आपको आना है। फैमिली यानी पति पत्नी वहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशल मीटिंग रहेगी। और उसके बाद में आप लोगों का अभी इस समय खाना खाने के बाद में इसी स्थान पर फिर से 3 बजे से मीटिंग की शुरुआत होगी। तो 3 बजे जितने भी आम लोग हैं हम सबों के लिए यहाँ पर 3 बजे से फिर से मीटिंग की शुरुआत होगी। तो 3 बजे आप सभी लोग खाना खाने के बाद में थोड़ा सा अपना सामान वगैरह सेटल कर ले, अपने चीज़ों को आप खुद अच्छे से संभाल कर रखिएगा। और याद रखिएगा कि ये जो तीनों हॉल हैं सभी जगह पर CCTV कैमरा लगा हुआ है, कोई भी किसी की चीज़ को हाथ ना लगाए। जिसकी भी चीज़ जिनकी भी कोई भी चीज़ हो वो खुद अपने चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें और अपनी चीज़ को संभाल कर रखें। तो खाना खाने के बाद में आप लोगों के पास में समय रहेगा आपके सेटलमेंट होने का, अपनी चीज़ों को रख लेने का, आपकी जगह को पकड़ने का। और याद रखिएगा मैं सोच रहा हूँ कि बहनों के लिए वो हॉल जो बाजू में है वहाँ पे सिर्फ बहन लोगों के लिए ठीक रहेगा। और जो भाई लोग हैं शाम के समय में मीटिंग होने के बाद में हम लोग इस हॉल को सोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मीटिंग होने के बाद में। तो आप अपना सामान वहीं पर रखना, जब शाम की मीटिंग समाप्त होगी उसके बाद में ये आपके लिए सुविधा होगी। ये सब बातें मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और इस समय हमारे बीच में पास्टर पुरुषोत्तम है, मैं 5 मिनट का समय उनके हाथ में देता हूँ और क्वायर सभी लोग सामने आ जाए। क्वायर आप लोग देरी ना करते हुए जल्दी आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने बाजू को बोल सकता है कि हर बात का एक समय होता है। अपने बाजू को बताया कि हर बात का एक समय होता है। अच्छे से बताइए क्योंकि अभी पास्टर साहब ने बताया था कि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक जमेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। मतलब कि मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैं बोलता हूं। अपने बाजू को बता मुझे विश्वास है इसलिए मैं बोलूंगा। आप इतना धीरे बोल रहे ना तो समझ में आ रहा कि समय खत्म हो चुका है। हम लोगों ने 1000 लोगों का प्लान बनाया और हम देख रहे कि यहाँ 1200 कुर्सियाँ लगे हुए हैं और 1200 कुर्सियाँ भी भर चुकी हैं। थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा, हम लोग आप सबको एडजस्ट कर लेंगे। और जैसे कहा कि हर बात का एक समय होता है और परमेश्वर ने ये हमारे लिए समय जोड़ा कि हम ही कैसे लोग बोलते हैं ना कि परमेश्वर स्वर्ग खोल और वहां से बरसने दे। अगर मान के चले कि आपने प्रार्थना की कि प्रभु स्वर्ग खोल और वहां से मेरे लिए मेरी जरूरतें पूरी हो तो कैसा होगा? कि सपोज मान के चलते कि परमेश्वर ने स्वर्ग खोला और वहां से आपके लिए दिनार बेच दिए, डॉलर बेच दिए तो कैसा होगा? तो फिर यहां पे जो दिनार डॉलर नोट छापने की मशीन बंद हो जाए। तो परमेश्वर ने पृथ्वी बनाने के पहले सब कुछ आपकी जरूरत की चीज यही बनाई और उसके बाद में आपको बनाया, यानी आप महाराज हो। आप कौन है? बोलो मैं महाराज हूं।
हालेलुया। यानी आपके बनाने के पहले परमेश्वर ने सब कुछ यही बनाया और फिर आपको बना के भेजा। लेकिन परमेश्वर ने ये बोला कि तुझे जो कुछ चाहिए सब कुछ पृथ्वी पर है, आमीन। और जैसे ही नुआ ने परमेश्वर होम बलि चढ़ाई, तब परमेश्वर ने बोला कि अब से लेकर पृथ्वी पर बोने का समय, काटने का समय, हर बात का एक समय होगा, सीजन होगा। तो ये समय है कि हम परमेश्वर को अपनी भेंट देंगे। याद रखिएगा, मीटिंग के लिए नहीं देना है आपको, किसी वक्ता को नहीं देना है, खाने के लिए नहीं देना है, आपको अपने लिए देना है। कई लोग बोलते हैं कि मीटिंग में कम पड़ रहा है, इसके बिल्कुल नहीं। मेरा विश्वास है कि अगर परमेश्वर की ओर से मीटिंग है तो परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि किसान अपने लिए बोता और जितना बोता उतना काटता। तो आप अपने उन्नति के कारण बनो, आप अपने लिए बो, आप अपनी जरूरत के अनुसार बो, अपने भविष्य के लिए बोएंगे। तो यह समय हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और क्वायर यहाँ पर एक सुंदर गीत गाएगा। इस दरमियान आपके पास वॉलंटियर्स आएंगे, बिना किसी गड़बड़ी के, दबाव के, प्रेशर के, हम लोग अपनी भेंट को ऊपर में सौंपेंगे। और ये जानते हुए कि मीटिंग के लिए नहीं, लेकिन मैं अपनी उन्नति के लिए परमेश्वर के राज्य में बो रहा हूँ, ताकि मैं उसी के हिसाब से काटने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आए जोरदार ताली बजाकर हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। Thank you.
बच्चा को सुना बहुत अच्छा सुना कि हमें डरना नहीं है शैतान को, ऐसे हकालना है जैसे किसी कुत्ते को हकालता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे एक और भी गीत याद आ रहा है, आसो तैयार है, आसो तैयार है, सो कहेंगे बोला कृष्ण महाराज जी, अरे बोला कृष्ण महाराज जी, यस थैंक यू जीसस। आप प्रार्थना करने को बोलूं, मैं आपको प्रार्थना करने बोलूं, आप में से कोई भी एक जन
इंटरसेप्टर देकर ऑफरिंग में प्रार्थना करें, फिर हम दूसरे काम करेंगे। कौन करेगा प्रार्थना? आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में चलें। ओ दयालु अनुग्रह कारी परमेश्वर, आपके पास आते खुदा जी, हालेलुया हालेलुया, जिन्होंने अपना बीज यहाँ बोया, उसको आप फलवत करना, उसे आप फलवत करना, अद्भुत करना है के जीवन में। जिस चीज के लिए उन्होंने अपना बीज बोया है खुदा बंदा, ओ दयालु परमेश्वर, आप ही उन्हें बैच करना और आप ही उन्हें बढ़ाना, आप ही उन्हें फलवत करना। थैंक यू पास्टर। मैं चाहूंगा कि इस समय पास्टर राजेश सामने आए, मिस सामने आए और उनकी पत्नी सामने आ जाए, है ना। पास्टर साहब ने बोला कि बाहर कृपा में शेर बोला, घर में आया तो पत्नी को सुनना पड़ता है, तो बिना पत्नी के सहयोग नहीं होता। मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस प्रकार से इसको पकड़िए, ऊंचा उठा के, है ना। और मैं चाहूंगा कि प्रसन्ना सामने आए और एक जो यहां से आप जाएंगे एक पहचान चिन्ह को लेकर जाएंगे आप बाद में, आप प्रार्थना करें और सारे पासवर्ड इसको ओपन करेंगे। खुदा बाप हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं प्रवेश पिता कि आपकी इच्छा है, आपकी योजना है इस पृथ्वी पर पूरी होने जा रही पिता, क्योंकि उस अंतिम दिनों में प्रभु आपका राज्य पड़ेगा, आपका अभिषेक पड़ेगा, आपकी शपथ पड़ेगी। और धन्यवाद करते कि आज की सभाओं को प्रभु आपने इसीलिए रखा है कि आपके लोग प्रभु आत्मा से भर जाए, आपके लोग सामर्थ्य से भर जाए, आपके लोग सिद्धता में जाए और आपका राज्य बढ़ता जाए। पिता प्रभु हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं उन सारे सेवकों के लिए परमेश्वर पिता जो भिन्न भिन्न स्थानों पर आए, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनके विश्वास योग्यता के लिए, उनके अभिषेक के लिए, उनके प्रकाशन के लिए प्रभु हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि आपने उनको चुना है, आपने उन्हें अभिषेक किया है, आपने उन्हें अपना वचन दिया है, अपनी रोशनी डाली, अपना प्रकाशन दिया है, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर पिता कलीसिया प्रभु जी समझे सीखे सिद्ध होते जाए और सेवा का काम बढ़ते जाए और मसीह के दीर्घों में बढ़ते जाए और उसके देशों में बढ़ते जाए, ताकि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आप बात को बढ़ाए आपकी कलीसिया परमेश्वर का तेजस्वी निर्दोष निष्कलंक पवित्र शुद्ध बेसुरी बेदाग पाई जाए परमेश्वर का, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु इस सभा का प्रभु उद्घाटन करता हूं, इसको इतना खंड कर दो परमेश्वर का, ताकि आने वाले तीन दिन प्रभु आपकी सामर्थ आपका अभिषेक आपका जीवन आपका प्रकाशन आपका अभिषेक आपकी प्रभु अद्भुत शक्ति प्रभु इन लोगों के बीच में और प्रभु प्रकट की जाए और ये सिद्ध होते जाए और भरते जाए और आपके मेहमान पाए जाए और आपकी महिमा प्रकट की जाए। और जब यहां से बाहर जाए प्रभु वो छोड़े यीशु मसीह वरकरमा यीशु के नाम से आमीन और आमीन। थैंक यू दादा। सारे पास्टर लोग आ जाए, थोड़ा सा ये रिबन हाथ लगाएंगे और खींचेंगे इसको, प्लीज कम फॉरवर्ड, आइए सामने, इस रिबन को खींचेंगे हम लोग, या थोड़ा सा क्या देखना चाहिए, या ओपन थैंक यू वेरी मच पास्टर्स, आप लोग आने के लिए हम लोग भोजन की प्रार्थना करके भोजन के लिए जाएंगे।
आइए सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, जिसको भूख लगी है वो सब लोग, जिसको खाना खाना है वही लोग प्रार्थना करें, जिसको खाना नहीं खाना है जो प्रार्थना के लिए आगे बंद नहीं करेगा हम समझ जाएंगे। वॉलंटियर्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो प्रार्थना के लिए आगे बंद नहीं कर रहा उनको भोजन नहीं करना है, उनको फास्टिंग प्रेयर करना है, तो उन लोग को आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, परमेश्वर पिता धन्यवाद, और हमारी मन से आपके पवित्र चरणों में आते हैं धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं राजा तेरी अद्भुत महिमा जो तेरे आत्मिक मन्ना के द्वारा तूने यहाँ परोसा परमेश्वर पिता, अब समय आ गया परमेश्वर पिता कि हर एक व्यक्ति अपने शारीरिक भोजन की ओर बढ़े, यीशु के नाम से जो भोजन बनाया गया उसको शुद्ध कर पवित्र कर, तेरी आशीष उस पर आने पाए और भरपूरी से हर एक व्यक्ति खाए तृप्त हो, किसी को भी कम ना पड़ने पाए और तेरी महिमा फिर से एक बार हम देखने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। प्रेस लॉर्ड, जिस प्रकार से आपको कहा गया कि हम मसीह लोगों की पहचान है कि हम मसीह जो लोग हैं वो गंदगी नहीं करते, हम मसीह लोग साफ सफाई के लिए पहचाने जाते हैं, आत्मिक साफ सफाई पवित्रता के साथ साथ नैतिक साफ सफाई के साथ साथ परिसर की स्वच्छता हम मसीहों की पहचान है। तो इसीलिए याद रखें कि जब आप खाना खाएं खाना उतना लीजिए जितना आपको लगता है, खाना एक्सेसिव लेकर वेस्ट ना करें, ज्यादा लेकर फेंकिए नहीं, अगर आप खाना गलती से ज्यादा लेते हैं तो किसी और सबसे शेयर कर लीजिएगा, और बचा हुआ खाना यहाँ वहां ना फेंके, एक जगह पे जमा करें, जितना जल्दी जाओ वो संकल्प जल्दी खाकर वापस हम लोग अपने स्थान पर आ जाएंगे। जो लोग बाहर से अपने आप को सेट करें, बात पीछे की लाइन से निकलेंगे हम लोग, पीछे वाले पहले जाए, पीछे के जो लोग हैं भोजन कक्ष की ओर आगे बढ़े, एक एक लाइन पीछे जल्दी जाए और एक स्टॉल पर मदद करेंगे, एक स्टॉल पर 50 लोग, एक स्टॉल में 50 लोग, पास्टर लोग जो वक्ता लोग कृपया आपके लिए अलग है, आप जब बाहर निकलेंगे आपके लेफ्ट साइड में भोजन हॉल में भोजन की व्यवस्था है, तो कृपया और साथ ही साथ हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि जिन लोग के बच्चे हैं वे लोग सेकंड मीटिंग में अपने साथ अपने बच्चों को साथ में लेके बैठेंगे, यहाँ आना छोड़े ताकि ये ना करें, इस समय आपके लिए ठीक हम 3 बजे यहाँ मिलेंगे, एक एक करके जाएं सभी लोग, 3 बजे के लिए आपको छुट्टी है।